दयात रघो विनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एवं हाथ धरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सृजा नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण इंद्र की पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हर साल ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे लेकिन इंद्र देखा इसी साल तो कोई पूजा का नाम गंध तक भी नहीं। एक दूत को भेजा देख करके आओ कि ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। वो दूत ने देखा वो इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई लेटिन चमचम और बढ़िया बढ़िया खाना बना था कृष्ण ये सबके सब लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। इंद्र तो एक साल से इंतजार करता है साल में एक बार बढ़िया भोजन मिलता है। अगर वो भोजन को और किसको दे दे बताओ क्या हो। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया बोलिए ग्वाल कृष्ण है ये स्तब्ध अज्ञानी मेरी पूजा बंद करा के एक पत्थर के पहाड़ की पूजा करवा रहे। अभी हम उनको मज्जा चढ़ाता है उन्होंने संपर्क में अनचास पवन बुला करके बोले एक काम करो ब्रज में ऐसे शिला वृष्टि और ऐसे ओले और ऐसे बारिश की वजह से ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अभी इंद्र का आदेश पा करके मानो ब्रज में प्रलय आ गया बड़े बड़े ओले गिरने लग गए आंधी तूफान शिला वृष्टि हाथी के सूर जैसे मुसलधार से बारिश होने लग गया। कितने ब्रजवासी थे बोले कृष्ण देखो क्या हो रहा है तुमने इंद्र की पूजा बंद कर दिया ना देखो ये इंद्र क्या कर रहा है अभी तुम ब्रज की रक्षा करने का ब्रज का तो ध्वंस हो जाएगी। बोले चिंता मत करो हम लोग ने इंद्र की हम लोग गिरिराज की पूजा की चलो हम सबके सब श्री गिरिराज की शरण में जाएंगे वो हमारी लाज को बचाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा ले ऐसे ही कृष्णा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उखाड़ लिया और कहां पर धारण किया। हम कहते हैं ना अरे ये हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात हम तो इसको उल्टा हाथ भी कर सकते हैं। उल्टा हाथ नहीं बोले सबसे कनिष्ठ अंगुली बोले कनिष्ठ अंगुली नहीं कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपना नख गोबर धारण कर लिया है नख गोबर में। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं कछु माखन को गल बढ़ो कछु गोपने करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर आप कुछ बोल रहे हो गिरिवर। इसलिए गिरिराज किसने धारण की बोले राधा रानी कृपा से गिरिवर लिए उठाए
श्रीमती राधा रानी की और जितने ब्रजवासियों को बोले भैया सबके सब आ जाओ सामान को लेकर के आ जाओ, सबके सब सारे सामान को लेकर के आ गए। और जितने सखा लोग थे ना अपना लठिया को लेकर के गिरिराज में टिका थे, बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज को धारण करोगे, अब 5 मिनट हाथ ऐसे रख और कृष्ण कितना दिन तक हाथ में रखे 7 रात 7 दिन, बोले कन्हैया थोड़ी हाथ को नीचे कर ले कब तक तू गिरिराज को उठाओगे। कृष्ण ने कहा देखो तुमसे ये गिरिराज टिकेगा नहीं। बोले क्या तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने मैया का दूध पी नहीं, नीचे हाथ कर ले हम गिरिराज उठा लेते हैं। जब डंडे सब हमें पकड़ कर रखे थे, कृष्ण जब हाथ को नीचे धीरे 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 किया ना गिरिराज तो धीरे धीरे नीचे नीचे आने लग गए और जितने डंडे थे सबसे सब टूटना शुरू किया। इतने में बोले कन्हैया कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज उठा ले। मैया किसका कन्हैया को बारंबार मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रहे थे लाला के हाथ में दर्द नहीं हो जाए। ऐसे 7 दिन तक उन्होंने से गिरिराज उठाए और इंद्र ने कटी न्यू 7 दिन तक ऐसे उन्होंने बारिश किया जैसे प्रलय आ गया। देखो अभी प्रश्न है भैया इतना पानी गया था, इतने पानी 7 दिन तक कंटिन्यू जैसे हाथी के सूंड जैसे, तो उसकी दो कारण बताए। पहला कारण बताए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आदेश दिया, इतने में सुदर्शन चक्र ऊपर जाकर के करोड़ सूर्य का तेज को प्रकाश कर दिया और जितने बारिश हुई ना ऊपर ऊपर से सुखा दिया। क्योंकि ये एक कारण बताए। देखो और एक कारण सुना, एक समय जब माता सीता को लंका से भगवान राम ने उद्धार की, अभी मैया सीता राम से बोले बोले प्रभु ये संतों की कृपा से मेरे को मुक्ति मिली है, चाहता हूँ थोड़ी सी संतों को थोड़ा भोजन कराए। भगवान राम संतों को निमंत्रण करते हैं लेकिन 8-10 पूरी और थोड़ी सी हलवा थोड़ी सी आलू दम खाए तो सब्जी पेट भर जाता है। मैया सीता कहती है बोले प्रभु आप ऐसे ऐसे संतों को बुला तो 8-10 पूरी से पेट भर जाता है, इच्छा होता है कभी जी भर करके संतों को भोजन करवाए, जी भर करके भोजन कराए। इतने में उन्होंने श्री अगस्त ऋषि को इशारा किया। जानते हो अगस्त ऋषि कौन है, जिन्होंने समुद्र को पानी को एकदम एक अंजलि में करके पूरा का पूरा समुद्र पानी को उन्होंने पान कर लिया, अगस्त ऋषि। इसलिए यही अगस्त ऋषि हैं, यही अगस्त ऋषि को उन्होंने इशारा किया बोले प्रभु थोड़ी चमत्कार दिखा दे। अगस्त ऋषि को उन्होंने निमंत्रण दी, मैया सीता ने 8-10 पूरी थाला में और आलू गोभी की सब्जी और प्योर घी की हलवा इसमें काजू किशमिश केसर पड़ा हुआ हैं भोजन में रख दी और पूरी 2 बार लाते थे सब चढ़ कर लिया सब खा ली। फिर मैया सीता 2 बार ले आए, 2 बार ला कर जब सब्जी लाई फिर पूरी खत्म, फिर जब हलवा लाई सब्जी खत्म, 2-4 बार जब खाए मैया सीता बोले आज अच्छे संत आए, आज कम से कम संतों को भोजन कराते मन में तो तृप्ति होगी, एक संत को लगता है संत जी थोड़ी से अच्छे भोजन करने वाले भोजन आनंद दिए। लेकिन बाबा बदी नहीं करे, सब्जी लाए तो पूरी खत्म, पूरी लाए तो हलवा खत्म, 1 घंटा हो गया। किसी तरह से मैया सीता को एकदम भीम से बिठा गई। इतने में मैया सीता कौन है, लक्ष्मी, ये माँ लक्ष्मी है। तो उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, बोले भैया थोड़ा आ जाओ। रिद्धि सिद्धियों को बुला लिए, अभी वो भी आटा मांडने लग गए, सब्जी काटने लग गए और उसको घी प्योर घी में पूरी छोकने लग गए। लेकिन जितने खिलाए बाबा मना नहीं करता है। देखो जब घर में कोई भोजन करने के लिए बैठे है नियम किया है, जब तक वो मना नहीं कर देते ना हो गया तब तक भोजन देनी चाहिए क्योंकि भरपेट खिलानी चाहिए ना। लेकिन ये बाबा मना ही नहीं कर रहे, सवेरे से 2 बार तक हो गया कंटिन्यू खिलाए रहे हैं लेकिन मना नहीं कर रहे। रिद्धि सिद्धि सब को उन्होंने इसलिए उन्होंने रिद्धि सिद्धि सबको उन्होंने बुला लिए। इतने में मैया ने बोले भगवान कौन सा बाबा को बुला कर भेज रहे हैं,
ये मना ही नहीं कर रहे हैं। और वहां जितने दास दासे सब के सब लग गए, मैया सीता जी के शरीर का बचना बचना बहने लग गई। हे बोले हे भगवान, ये तो मना ही नहीं कर रहे हैं। इतने में भगवान राम ने आकर के अगस्त ऋषि को बोला, बोले बाबा जी अभी बंद कर दो। हो गया, इन्होंने बंद कर दिया। देखो आप जितने भोजन करोगे ना उतना पानी की जरूरत है। भगवान राम ने कहा, देखो अगस्त जी त्रेता युग में तो आपको भोजन कराया, लेकिन द्वापर युग में आपको पानी पिलाऊंगा। अभी पानी नहीं पिलाऊंगा द्वापर युग में। इसलिए जिस समय इंद्र ने बारिश की, इतने में भगवान अगस्त ऋषि का स्मरण किया, जिसने एक चूल भर में पूरा समुद्र पार कर जिसने पान कर लिया था। इतने में अगस्त ऋषि गिरिराज की एक कोने में अंजलि करके खड़े हो गए, और जितने बारिश हुई पूरा के पूरा पानी को उन्होंने अंदर में सबके सब सोच लिया पानी को। इतने में 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को बोले, बोले भैया देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। वो दूत केवल ऊपर ऊपर देख करके गए, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सबके सब समाप्त। और एक दूत को भेजे, भैया देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, वो नीचे आया, नीचे आकर देखा एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। वहां पर तो होली मच रहा था, वहां पर नाच रहे थे, कूद कूद रहे थे और बड़े सुंदर भजन गा रहे थे। बोले आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। ब्रजवासियों को सत्यानाश हो गया कि नहीं? बोले ब्रजवासियों को सत्यानाश मत, तेरा सत्यानाश होगा। बोले क्या क्या बोल रहे हो? बोले जिसको तो बालक समझ रहा था ना, उसने तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर भी गिरिराज उठा लिए। वहां पर तो ब्रजवासी नाच गान और वहां पर तो आनंद में एकदम झूम रहे हैं। बोले भैया ये देखो कनिष्ठ अंगुल को गिरिराज उठा लिया। इंद्र ने ध्यान करके देखा, कहते भैया ये तो कृष्ण मेरे प्रभु है, जिसने मेरे को कृपा कर दी, इंद्र बलि को दिया था कृपा करके, ये इंद्र बलि ने छीन लिया था मेरे से, ये तो मेरे प्रभु जी है। देखा भैया प्रभु जी की चरण में अपराध हो गया, लगता ही मेरी इंद्र बलि छीन ले। अपना गुरु जी को पास में गए, बृहस्पति को पास में, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात, बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो श्री ब्रह्मा जी को पास में, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को पास में गए ना, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे एक देवता है ना, 33 करोड़ देवता के जितने गर्भ है खर्ब उसने किया, सारे देवता आकर के प्रभु के चरण में माफी मांगे। बोले मैं भी एक बार बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे। बोले मेरे
ब्रह्म पद पर जा रहा था, मैंने बड़े माफी मांग के अपना ब्रह्म पद वापस लाई। बोले कैसे? बोले एक समय कृष्ण ने उन्होंने अघास बन दिया, विशाल भयंकर सर्प रूप धारण कर गया था। कृष्ण ने देखते देखते उन्होंने अघास रूप बंद किया। जब अघास रूप बंद किया, इतने में कृष्ण जब उसको मुंह से निकले, इतने में उसका ब्रह्म ताल फट गई और एक ज्योति ऊपर में घूम रही थी, वो ज्योति कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। यह चीज को देख करके देवता लोग बड़े आश्चर्य हुए और उन्होंने कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जयकार नहीं लगाते, एक बच्चा जयकार जोर से लगाते, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी ये जय ध्वनि भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी जब इसको सुना, बोले भैया स्वर्ग में देवता लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी उतर करके आए, देखा कृष्ण को उम्र 5 साल की और इतने भयंकर राक्षस था जिनकी डर से देवता लोग भी कांपते थे, और कृष्ण उनको मार डाले और उसकी ज्योति आ करके कृष्ण को शरीर में प्रवेश किया। बोले भैया ये बालक कौन है? इतने में कृष्ण वहां से निकले, यमुना किनारे में बैठ करके सखाओं के साथ में अपना अपना घर से जो रोटी सब्जी मालुआ पकौड़ा लाए थे खा रहे थे, और कृष्ण बीच में बैठे हुए, सखा लोग चार तरफ में घिरे हुए। कोई अगर घर में मालपुआ आया, बोले कन्या मेरे मैया बड़े सुंदर मालपुआ भेजे हैं। बोले तो क्या अकेले खाओगे? मेरे को नहीं दोगे? वो ऑलरेडी खा चुके हैं, कृष्ण छीन करके झूठे खा रहे। सारे सखा लोग घर से जो चीज लाए हुए थे हैं, जो लाए हुए थे कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे कृष्ण। और एक सखा ने कहा कन्या मेरे मैया है ना बड़ी सुंदर छान चुके की मटकी में। कृष्ण ने बोले मेरे को नहीं तो तू अकेला पियो? बोले नहीं, थोड़ी तरीके देने का लायक तो पीने का लायक। वो पी रहा था, अभी कृष्ण जोर जबरदस्ती मटकी को खींचा करने करते करते वो जो छाछ है ना वो सखा की छाती में गिर गया और कृष्ण जीभ लगा चाट रहा। बोले भैया छाछ तो बड़े चोखो छाछ है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये कैसे भगवान है जिनको झूठन फुटन को भी किसको पता नहीं है, जिनको झूठन की क्या जी जिनको बताया नहीं। इतने में ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए प्रभु को लीला देख करके, और पास में कोई बछड़े चढ़ रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी और थोड़ा लीला देखने के लिए कृष्ण जी बछड़े को चोरी की और एक गुफा में उन्होंने बंद कर दिया। जब गुफा में बंद कर दी, फिर कृष्ण का सखा ने बोले भैया बछड़े यही चढ़ रहे थे, गए कहां? सखा को भागने लगे। कृष्ण बोले चिंता मत करो, तुम बैठो मैं देखता हूं। जब कृष्ण बछड़े को ढूंढने गए, इधर ब्रह्मा सखाओं को भी उठा करके ले गया और गुफा में बंद कर दिया, मोह निद्रा में सुला दिया। कृष्ण बोले भैया बछड़ा सखे कहाँ गए? इतने में उनकी जोग माया ने पूर्ण कराया। बोले प्रभु ब्रह्मा तुम्हारी लीला को समझ नहीं पाया, इसलिए ये बछड़े सखा ब्रह्मा जी चोरी की। कृष्ण ने अपना शरीर से जैसे सखा जैसे बछड़े जैसे रंग जैसे बोली जैसे चाली जैसे इनकी स्वभाव कृष्ण ठीक वैसे ही सखा को प्रकट किया और कृष्ण खुद को साथ में लीला कर रहे। इधर ब्रह्मा उनको चोरी करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, कृष्ण ने किया क्या? स्वयं ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा पहुंचने से पहले जो दरबार थे ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आएगा तो घुसने मत दिया करना। कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। असली जब ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, उनकी जो दरबार लोग थे ना खुद डंडे लेकर के ब्रह्मा जी को भगाए। बोले तू कहां से आ गया? प्रभु तो सही कह रहे थे, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा तो चकरा गए, बोले भैया ये ब्रह्म पद में मेरे पद में कौन दखल कर लिया मेरे जैसे? ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा, उनकी जो प्रभु है ना कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन कर उनका आसन को दखल कर लिया। ब्रह्मा तो डरे और गए, और वहां से आते आते ये मर्त्य जगत में हो गया 1 साल, मर्त्य जगत का 1 साल हो गया। केवल आते जाते
जब आए देखा एक साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला करते हैं, सखा हम साथ में खा रहे खेल रहे। ब्रह्मा फिर चकराए, बोले भैया सबके सब पुत्र में गुफा में लेकर बंद कर दिया, कृष्ण क्या उनको दोबारा ले आए? फिर गुफा में जाकर के देखा, बोले नहीं वो तो जैसे के वैसे ही सो रहे। बोले ये क्या, ये सच ना, ये सच है। ब्रह्मा के कितने सर है अब लोगों को पता है? कितने सर ब्रह्मा के? चार सर है। तब उन्होंने एक तरफ में दो, दूसरे तरफ में दो, एक साथ में दोनों तरफ ब्रह्मा जी देखे। कृष्ण दिखाया, देखो ये जितने बछड़े सखा है ना, ये और कोई नहीं, ये मैं स्वयं बना। ब्रह्मा का एक नारायण का नाभि कमल से जन्म हुए। जितने बछड़े सखाओं को देखा सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए, भैया ये जो कृष्ण है ना, ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी। वो जो हंस वाहन को पर बैठे हुए थे उन्होंने नीचे कूद पड़े और कृष्ण के चरण में साष्टांग दंडवत कर दिया और अपना आंखों का आंसुओं से कृष्ण का चरण को उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए लेकिन उन्होंने देखा मेरे शरीर एक अंग के ब्रजरज को स्पर्श कर रहा है, अभी तीन सर और शरीर का तीन भाग ये ब्रजरज को स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर तो ब्रह्मा जी ये ब्रज रज में उन्होंने लौट पोट खाने लग गए, हैं? ब्रज रज में लौट पोट खाए। बोले क्यों? बोले मेरे संपूर्ण अंग ये ब्रज रज में अभिषेक हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज माताओं में ऐसे सच सच करके आ रहे ना, लग रहा है सबके सब एक ही रुक्मिणी है, एक ही सबके सब कृष्ण की समझो, एक ही दुल्हन की बन करके कृष्ण की आ रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक रुक्मिणी आए तो सबके सब कथा सुनना भूल जाते हैं, सब रुक्मिणी को देखना शुरू कर देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय अभी ब्रह्मा जी को जब पता चला कि मेरे प्रभु के प्रभु है, तब ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। मेरे तरफ करके ध्यान देंगे, इधर उधर मत देखा करो। हाँ, ब्रह्मा की जो पहले से पहला जो श्लोक बोलते हैं बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बोले, ये चीज को अच्छे तरह से समझ जाओ। भैया कृष्ण है कौन, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। ये पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। हरे कृष्ण। हाँ, ध्यान देकर सुनो, ये ब्रह्मा कह रहे हैं। आप लोग समझो इसका अपना इको कब कर सकते, आप लोग समझो ब्रह्मा कृष्ण हे कौन। कृष्ण ब्रह्मा जी ये बात को समझाते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण। बोले ईश्वर मतलब क्या होता है? बोले जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकते हैं वो ईश्वर है। दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं कहते ये ईश्वर है। और ये कौन है? बोले परम कृष्ण। ये जो कृष्ण है ये परम, परम मतलब होता है सबसे जो श्रेष्ठ है। और ये कौन है? बोले अनादि राधि गोविंद, जो अनादि के, अनादि मतलब है जिनसे ये दुनिया की सृष्टि स्थिति होता है। बोले किससे होता है? बोले श्री कारंग गोसाई विष्णु से। बोले उनको मूल कर, बोले श्री दाऊ भैया शंकर सन, बोले उनको मूल कर ये कृष्ण के नहीं आते। देखो ये ब्रह्म वैवर्त तो पुराण आया, एक समय कृष्ण ये दुनिया में कुछ नहीं था, ये दुनिया में पहले कुछ नहीं था, अगर कोई थे तो केवल श्री बांके बिहारी थे और कोई नहीं थे। अभी एक दिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण कल्प वृक्षों के नीचे प्रभु खड़े हुए,
अभी वो सोच रहे हैं मैं रासलीला करूं, मैं लीला करूं, लेकिन वो एक स्वरूप से वो प्रभु लीला नहीं कर सकते हैं। इतने में इनकी जब इच्छा हुई लीला करने के लिए, रासलीला करने के लिए, तब कृष्ण की बाम अंग से और रासलीला को बीच में इनकी बाम अंग से कद एक बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदरी एक किशोरी प्रकट हुई है। इसलिए रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर हो गया रा। लेकिन वो किशोरी प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण को पूजा करने के लिए धावित, धावित मतलब होता है दौड़ना। उन्होंने कृष्ण पूजा के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राधा। उनका नाम हो गया राधा। रा का मतलब होता है भक्ति, और धा मतलब हर जीवन को जो प्रभु की भक्ति को जो प्रदान करके राधा। कहते इसी राधा रानी से जगत में जितने शक्ति है, उमा, रमा, सत्या, सची, चंद्रा, रुक्मिणी, दुर्गा, काली, चंडी, ये सब के सब कहाँ से प्रकट होती हैं? बल्कि श्रीमती राधा रानी से। लक्ष्मी, सीता, गीता, जितने ये सब के सब राधा रानी से प्रकट होती हैं। जब हम श्री राधा रानी की भक्ति कर देते हैं, समझो सभी का भक्ति अपने आप हो गया, नहीं तो जगत में कितने सत्य, कितने को खुश करोगे? अभी कृष्ण की बाम बाम अंग से तो राधा रानी प्रकट हुई, बोले उनकी डाण अंग से कौन प्रकट हुई? बोले श्री बलदेव। ये बलदेव प्रभु उनका डाण अंग से प्रकट हुई, और श्री बलदेव प्रभु से एक शंकर सन प्रकट हुई, और इनसे फिर चार चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कहते इसमें जो शंकरसन है, ध्यान थोड़ा समझ लो, इनसे जो शंकरसन है, इनसे तीन विष्णु प्रकट हुए। आप लोग सुने होंगे विष्णु तो एक ही है, लेकिन पुराण कहता है विष्णु तीन है, एक कर्ण दशाई विष्णु, एक गर्भ दशाई विष्णु और एक क्रिया दशाई विष्णु। बोले भैया इनका क्या काम, ये चीज को समझो। कहते जो कर्णतगोसाई विष्णु है, यही विष्णु कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ता है। कृष्ण तो सबका मूल का मूल, उनका केवल एक ही काम गोकुल में, ब्रज में सखाओं के साथ में खेलना, सखाओं के साथ में गैया चराना, घर घर में प्रभु मक्खन चुराते हैं, गोपियों के साथ प्रभु रास रचाते हैं, कुंज में लीला, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। कहते उनका जो सेवक के सेवक के सेवक है, वो सारा दुनिया को ही लोग देखते हैं। जैसे समझो मोदी, अब मोदी का नाम जानते ही नहीं, नरेंद्र मोदी जानते हो। अगर दिल्ली में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या मोदी लड़ने झगड़ने पे आएगा? वो वहां से आएगा? वो नहीं आएगा। वहीं से केवल आदेश करते ही यहाँ पर सारे काम अपने आप हो जाता है, लेकिन वो केवल बैठे करके ऑफिस में काम करता है, वहीं से आदेश देते ही वो सारे काम अपने आप होता है, हैं? कि उसी तरह जो कृष्ण है, ये सब कारणों का कारण है। जो कहते जो कारणाब्दि साई विष्णु है, इन्होंने जो माया को उन्हें देखते हैं, दृष्टि करते हैं, और माया की अनंत कोटि ब्रह्मांड को ये माया सृष्टि करती है, उसमें जो एक गर्भदक साई विष्णु इनका काम किया, बोले हर ब्रह्मांड में अपना पसीना से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं, और जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। कहते ये क्षीरोदशाई विष्णु ये क्या काम करते हैं? बोले जितने जीव है, जीव का हृदय में ये अंगुष्ठ परिमाण एक परमात्मा का निवास होता है। ये हर जीव के हृदय में जो बैठे हुए हैं, ये परमात्मा रूप में, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कृष्ण कौन है? बोले हे प्रभु अनादिरादि, अनादि का जो आदि, अनादि मतलब कारण तत्व साई विष्णु, उनको जो आदि बलदेव कहते, उनका भी जो आदि है ये कृष्ण के नहीं है। इसलिए कल बोल रहे थे ना, हमारा दो ही प्रभु, दो ही सरकार, एक श्री राधा, एक श्री बांके बिहारी और श्री राधा रानी सरकार, बोल रहे थे ना, हमारे दो ही सरकार कौन है? श्री जुगल सरकार। जब इनकी भक्ति करती है ना, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की पूजा हो गई। आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, अर्जुन में कौन होते, उन्होंने ब्रह्मांड का रूप दिखाया,
बोले जिसको तू शंकर कहते हो, जिसको दुर्गा कहते हो, जिसको चंडी कहते हो, जिसको हनुमान कहते हो, जिसको गणेश कहते हो, इंद्र चंद्र वायु वरुण हे अर्जुन देव, ये विश्व ब्रह्मांड सब के सब मेरे अंदर है। यहाँ तक भी मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह पामन देखिए सबके सब मेरे अंदर में। इसलिए कृष्ण कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि विभवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजामि। बल हे अर्जुन जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में गैया ब्राह्मण माताएं वेद गो उसको पर अत्याचार होती हैं, मैं ही जुग जुग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। इसलिए कृष्ण कौन है, ब्रह्मा जी कहते हैं। बोले पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है ये भगवान कृष्ण है। जब हम इन्हीं की भक्ति करते हैं सभी का भक्ति हो जाती है, सभी की भक्ति हो जाती है। इसलिए हमें एकनिष्ठ होकर के भक्ति करनी चाहिए। एकनिष्ठ होकर के बहुनिष्ठ होने से फिर भक्ति नहीं होती है। इसलिए मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, आप ही बताओ, मेरे तो गिरिधर गोपाला। और जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए ये गोपियों को सांत्वना देने के लिए, बोले गोपियां बताओ कृष्ण कहाँ, नहीं वो तो गटगटवासी सब जगह में तो कृष्ण है, उनको ध्यान करो ना। गोपियां क्या कहते, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराधे। बोले मन थोड़ी 10-20 है, मन तो एक ही है ना, ये मन तो कन्या का साथ में ही गया हुआ है, ध्यान तो मन में होता है लेकिन मन तो 10-20 है ही नहीं। मतलब क्या है, ये मन को किसी एक ही चरण में ही दे सकते हो, सबके चरण में नहीं दे सकते, क्यों मन तो एक ही है ना। हाँ वो एक किसकी चरण में देनी चाहिए, श्री वाक्य बिहारी चरण में। बोले और जितने सारे देवा देवी, बोले सबको सम्मान करो, किसको असन्मान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके सब भगवान ने उनको एक एक ड्यूटी दिया है। जैसे मोदी है, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसकी बिजली मंत्री बना दिया, किसकी अर्थ मंत्री बना दिया, उसी तरह ही जो कृष्ण है उन्होंने सबको एक एक पोस्ट दिया है। किसको धन मंत्री, किसको वित्त मंत्री, किसको अग्नि मंत्री, किसको वायु मंत्री, किसका जल मंत्री, एक एक पोस्ट उन्होंने दे दिया है, एक एक पोस्ट। लेकिन अगर मोदी की शरण में कोई चले जाए ना, मोदी की शरण में कोई चले जाए और जितने देवाधिपति सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। क्यों, इनको पता चलेगा भाई ये मोदी की शरण में गया, अगर इसको पीछे लगोगे ना फिर हमारा नौकरी जाएगा। इस उसी तरह तब तक ये ग्रह शनि ग्रह सोम ग्रह तब तक ये देवता आपको परेशानी करेंगे। बोले कब तक करेंगे, बोले जब तक कृष्ण की शरण में तुम नहीं चले जाते हो। इसलिए बोले ना जा पर कृपा हरि की हुई, उसके बारे में क्या है आप बताओ, जा पर कृपा हरि की हुई, यही चीज को समझ जाओ। तब तक अलग अलग ग्रह तुम्हारे ऊपर में परेशानी करेंगे जब तक तुम बांके बिहारी की शरण में नहीं आ जाते हो। जब श्री बांके बिहारी की शरण में आ जाओगे कि जितने ग्रह है ना सबके सब तुम्हारी अनुकूल बन जाए, कोई फिर गड़बड़ी नहीं करेगा। अगर उसकी शरण में नहीं जाओगे ना जितने ग्रह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, आज ये ग्रह लग जाएगा, कल वो ग्रह लग जाएगा, कल वो ग्रह लग जाएगा है। इसलिए बांके बिहारी की चरण में हमें शरणागत हो जानी चाहिए। ब्रह्मा जी यही चीज को यहाँ समझा रहे हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। कहते पितामह ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक से स्तुति कर रहे थे, लेकिन कृष्ण का जो ध्यान है ना, कृष्ण के ध्यान इनके तरफ में है ही नहीं। कृष्ण तो सखाओं को साथ में मस्ती ले रहे हैं और सखाओं को लेकर के खेल रहे हैं और सखा लोग ब्रह्मा को खिली उड़ा रहे हैं। बोले भैया ये चौमुआ कहाँ से आ गया, चौमुआ कहाँ से आ गया है। इसलिए ब्रज में एक स्थान का नाम चौमुआ है जहां पर कृष्ण की लीला की थी। ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण को मैं इतने सुंदर सुंदर स्तुति कर रहा हूँ लेकिन कृष्ण मेरे तरफ में ध्यान ही नहीं दे रहे। बल अभी तक तो कृष्ण की स्तुति करके देखा, अभी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले,
बोले अहोति भाग्यम ब्रजगो रमणा। बोले ये ब्रजवासियों की महिमा आप क्या बताए, कृष्ण भगवान होकर के किसकी सखा बन गए, किसके बछड़े बन गए, किसके बच्चे बन गए। देखना जब कह रहे हैं ब्रज में माताएं और ब्रज के गैया कितने सौभाग्य है, क्योंकि जब एक बच्चा माँ की स्तनपान करता है कितने खुश होकर स्तनपान करता है, जब एक बछड़ा गैया के दूध पीता है कितने खुश होकर के। कृष्ण स्वयं बछड़ा और सखा बन करके और इनकी स्तनपान किए, ये लोग कितने सौभाग्यवान हैं। फिर कहते हैं बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले भैया ये ब्रजवासी है ना, ये बड़ी सौभाग्यवान ब्रजवासी। बोले क्यों, जो पूर्ण ब्रह्म और सनातन इनकी सखा बन गए, इनके बेटे बन गए और इनकी प्रियतम बन गई। भैया ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, जब उन्होंने इतनी सी बात बोले ना, इतने में कृष्ण मुस्कुरा दिए, कृष्ण थोड़ा हंस दिए। अरे ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण के कमजोर कहां पर। देखो ये चीज को समझो, कृष्ण के कमजोर कहां पर है। कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरी सेवा मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरी कोई भक्तों को सेवा करे ना, कोई मेरी भक्ति का भक्तों को अगर स्तुति करे तो मैं उससे ज्यादा मैं उससे संतुष्ट होता हूँ। कृष्ण को इनकी कमजोरी इनको पता चला। पर ब्रह्मा जी कृष्ण को तीन बार परिक्रमा लगाई, बोले प्रभु अगर कोई कहता है अरे वही गैया चराने वाले है ना घर घर में जो मक्खन चोरी करने वाले कृष्ण, अरे हम उसको जानता हूँ। ब्रह्मा जी कहते भैया मैं पितामह ब्रह्मा कहता हूँ, जो ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, पृथ्वी की धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश की बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन ये बांके बिहारी का कोई पार नहीं पा सकते हैं, जिनकी एक एक लोक रूप में अनंत करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। फिर उन्होंने प्रभु को स्तुति करते हुए चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे तरफ में देखो साहब, ये ब्रह्मा जी किसको बोल रहे थे बताओ तो, ब्रह्मा जी किसको ये बात सब बता रहे थे, बोलो किसको बोल रहे थे, बोलो किसको बोल रहे थे, हाँ ये ब्रह्मा जी इंद्र को कह रहे हैं। बोले देखो भैया मैं भी एक बार बुरी तरह से फंस गया था, ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बोले बताओ अभी क्या करूं। बोले कृष्ण का एक नाम गोपाल, क्या नाम है गोपाल, गो मतलब होता है गैया, पाल मतलब प्रभु जो गैया को पालन करते हैं, प्रभु को गैया बहुत प्यारा है इसलिए गो माता है। इसलिए कृष्ण स्वयं रो रो करके गैया सेवा के लिए प्रभु रोए, बोले पिताजी मेरे को गैया की सेवा करने दो। नंद बाबा बोले नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी खेल कूद करो, हमारे घर में बहुत सारी दास दासियां हैं, तुम्हें सब गैया भैया चराने का जरूरत नहीं। बोले नहीं पिताजी हम तो आपको बेटे हैं, ये गैया हमारी आराध्य देवी, गैया हमारी आराध्य देवी, इनकी पूजा से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, ये गो माता है जिनकी शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास, इसलिए हम दोनों भैया गैया चरा। कृष्ण रोए और कृष्ण बलात्कार जोर जबरदस्ती किए, नहीं हम गैया की सेवा करेंगे, इसलिए उन्होंने जोर करके भगवान स्वयं श्री ताऊ भैया गैया चराने के लिए जाते हैं। इसलिए ये गो हमारी माताएं हैं, गो ये माताएं हैं, इसलिए इनकी शरण में इनको जो पालन करते हैं भगवान, अगर इनकी शरण में जाओ ना भगवान माफ करते हैं, क्योंकि गो माँ है ना। देखना माँ बड़ी दयालु होती है ना, माँ बड़ी कृपालु होती है। बोले गैया को सामने लेकर के जाओ सुरभि गाभी को, कृष्ण प्रसन्न होंगे। सचमुच से उन्होंने सुरभि गाभी को सामने रख करके पीछे पीछे गए, बोले क्यों ये माँ है ना, ठाकुर जी माँ को देखेंगे तो दूसरा नहीं करेंगे। तब उन्होंने कृष्ण की शरण में गए, उनको प्रणाम किया, भगवान संतुष्ट हो गए। बोले देखो तेरे अंदर में अभिमान आ गया था, ये अभिमान को मैं दूर करना चाहता था। देखो कभी जीवन में अभिमान नहीं करनी चाहिए, अभिमान सुरापान, अभिमान मतलब होता है जो शराब पी करके ना, हाँ जैसे डीग हाँकता है, अरे हम तो बादशाह है,
बोले भैया अभिमान एक तरह का शराब पीना है, इसलिए कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करनी चाहिए। तब इंद्र ने भगवान को पंचामृत से अभिषेक की और भगवान का एक नाम रखते हैं गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री श्री राधे। श्री कृष्ण गैया चराते चराते काली धाम में चले गए। इतने में कृष्ण तो पीछे थे, उनकी बछड़ा सखा लोग काली और ध्रद में जब गए, वहां तो काली निवास करता था, इतने जहरीला पानी थी, जैसे पानी टकमक करके फूटता है ना, ऐसे ही जहर उबलता था। आकाश में कोई चिड़िया उड़ करके नहीं जा सकते थे, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं। इतने में कृष्ण की सखा बछड़ा वहां जाते ही वो पानी को स्पर्श करते वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में कृष्ण आए, अपना अमृत दृष्टि से उनको प्राण दिया। बोले ये कालियों को यहाँ से खदड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी मैं प्यारी प्यारी मधुर मधुर में लीला करूंगा, अगर ये रहेगा इसमें व्याघात करेगा। वहां पर एक वृक्ष था जो कदम वृक्ष, देखो प्रश्न है, वहां पर आस पास में कोई पेड़ पौधा है नहीं, आकाश में कोई चिड़िया तक भी उड़ कर नहीं जा सकते, फिर ये पेड़ जिंदा कैसे? बोले ये पेड़ साधारण नहीं। बोले एक समय कश्यप की दो पत्नी कद्रु और विमला, अब देखना एक पति के अगर दो घर में दो पत्नी हो ना, देखना दिन भर घर में नाटक नाटक चलता है। अभी दोनों में रोज लड़ाई, ये कोई बात बोले तो ये काटते, ये कोई बात बोले तो ये काटते। एक समय आकाश में एक पखीराज घोड़ा उड़ते हुए जा रहा था, इतने में कद्रु, ये कद्रु इनके बच्चे सर्प है, विनता इनके बच्चे गरुड़ है। इतने में कद्रु ने विनता को पूछा, बताओ तो ये जो घोड़ा है उसका पूछ सफेद ना काला? बोले तो ये सफेद दिख रही तो साउथ नहीं है ना। बोले तेरे को तो सब सफेद सफेद दिखती तो काली, बिना कारण कारण टांग में टांग लड़ाकर झगड़ा करने वाले। बोले ये काली बोले सफेद, उसमें बात बढ़ गई। बोले काली नहीं वो, बोले सफेद नहीं वो। तो इतने में कद्रु ने बोला, अगर वो सफेद होगा जिंदगी भर के लिए मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। विनता बोली, अगर वो काली निकली मैं जिंदगी भर के लिए दासी बन जाऊंगी। बोले देखा जाए, लेकिन था सफेद। ये कद्रु का बच्चे सर्प, कद्रु ने अपना बच्चों का आदेश दिया, एक काम करो, वो तो सफेद काली है ही नहीं, मैं तो बात में अड़ करके बोल दी, जाओ उसको पूछ में लपट जाओ, लपट करके ना वो सफेद को काली बना। सचमुच से जा करके देखा काली निकली, और ये जो बीनता कद्रु की जो माँ थी ना, जिंदगी भर के लिए कद्रु की दासी बन गई। अगर एक सौतनी एक सौतनी की दासी बन जाए ना, क्या करेगी? बोले जूता को उठा, घर में पोछा लगा, मेरे कपड़े साफ कर। इतने बुरी तरह से उसको व्यवहार करती, लेकिन एक करुण जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, बोले देखा भैया ये दोनों कश्यप के दो पत्नी, दोनों ही राज रानी है, लेकिन ये मैया को प्रति नौकरानी जैसे व्यवहार क्यों करती है? एक दिन अपना माँ को उसने पूछा, बोले माँ क्या बात? मैया ने सारी बात को बता दी। तो उसने कद्रु को पास में गया, बोले ये बताओ मैं तुमको क्या देने पर तुम संतुष्ट हो करके मेरी मैया को दासीपन से मुक्ति दे सकते हो? बोले एक काम कर सकता हूँ। बोले बता। बोले स्वर्ग से अगर अमृत तुम ला कर देते हो फिर मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। लेकिन वो सोच रहे थे असंभव है, स्वर्ग से अमृत लाना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन गरुड़ कौन है? ठाकुर जी की महान। उसने उड़ते हुए गया स्वर्ग में, उन्होंने इंद्र को बोले मेरे को अमृत कलश दो। अमृत तो बोले नहीं, ये केवल देवताओं के लिए, वर्त जगत के लिए नहीं। बोले नहीं जगत में अपना पराक्रम दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाऊंगा? कर ले, गरुड़ तो भगवान की महान है ना, जोर जबरदस्ती अमृत कलश को पकड़ा। 33 करोड़ देवता उनके साथ भीड़ गए, लेकिन गरुड़ ने सबको मार मार करके भगा दिया वहां से, और जोर जबरदस्ती उन्होंने अमृत कलश को ले आए। लेकिन जब लाए थे उन्होंने 4 वृक्षों को ऊपर में रखा था, इसलिए अभी 12 साल में वहां पर एक बार उम्र भी लगता है। बोले कहाँ कहाँ पर बताओ? तो एक इलाहाबाद, देखना वहां पर जो वृक्ष जिंदा है जहां पर अमृत कलश रखा था, एक है नासिक, एक है हरिद्वार, और एक वृंदावन के जो कदम वृक्ष है, अभी भी वो सत्य जो से वो 4 वृक्ष है ना, अभी भी वो जिंदा है।
क्यों? केवल ये अमृत कलश का स्पर्श हो गया। देखो एक चीज को अच्छे तरह से ध्यान देकर सुना, लेकिन ये अमृत कलश स्पर्श से ही वो वृक्ष हो गई, जीवित हो गया, वृक्ष अमर हो गया। यही अमृत कलश वहां पर रख दिया था, इसलिए 12 सालों में वहां पर एक बार कुंभ मेला आता है। आप लोग कुंभ मेला गए हो? कौन कौन गए हो? देखो नासिक में एक बार कुंभ मेला पड़ा, यहाँ एक कुंड है, वहां पर हमारे मंदिर से लोग 20,000 रुपया देकर प्लेन में गए थे, और वहां पर 10-10 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ा। केवल एक बार डुबकी लगा, वो पुलिस भगा रहे थे, एक डुबकी लगा और 10 घंटा खड़े होकर केवल एक डुबकी के लिए। बोले क्यों? बोले अमृत कलश वहां पर रख दिया था, अमृत कलश केवल रख दिया था। लेकिन जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाने जा रहे थे, अध्याय देकर सुना, उसी समय ये 33 करोड़ देवता ये पूरा के पूरा अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, लो ये अमृत कलश पूरा ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ा कथा सुना दो। लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनाई, उनको भगा दिया वहां से। बोले कथा नहीं सुन सकते हो, इसका मतलब है वो स्वर्ग अमृत से जो कथामृत है उससे श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथामृत जैसे पुण्य जगत में कुछ है ही नहीं, अमृत कलश जैसे भी इसका महत्व है। इसलिए उन्होंने 4 वृक्ष अभी जिंदा है, इसलिए वहां के सारे वृक्ष तो मर चुके थे, लेकिन वही वृक्ष केवल जीवित था। कृष्ण ने कहा देखो सखाओं यहीं पर खड़े रहो, और वरुण जो अमृत लाया था ना, इसे वृक्षों के ऊपर रखा था, अभी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, वहां से अमृत लाकर तुम लोगों को खिलाऊंगा। इतने में कृष्ण पेड़ के ऊपर में चढ़े, कमरे में अच्छे तरह से कपड़े को कस दिए और छलांग लगाए, कहां पर थी? यमुना हृदय में। और वो जो काली नाग वो गुफा को अंदर में रह रहा था, कृष्ण इतने जोर से छलांग लगाए, पानी 40 हाथ तक ऊपर में छलांग करके चला गया, और उसका जिस गुफा में रह रहा था गुफा में पानी प्रवेश कर गया। काली तो सो रहा था, बोले कौन है, किसकी इतने साहस, इसको पर कोई चिड़िया भी उड़ कर नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण तैर रहे थे, बोले भैया कौन है? लेकिन नाग पत्नियां है ना, उनकी जो पत्नी बड़ी कृष्ण भक्त थी, बड़ी कृष्ण को प्रेम करती थी, अपना पति को समझाया करता था, देखो ये जो कृष्ण है ना ये भगवान है, इनके साथ में कभी बैर नहीं करना। बोले गैया को पीछे पीछे दौड़ता है, घर घर में मक्खन चोरी करता है, भगवान है, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं। अभी काली ने निकला और कृष्ण को उन्होंने दंशन करने लगे। कृष्ण ने कहा भैया पहला चांस तेरी है, बाद में बोलोगे मेरे को चांस नहीं मिला, दो कुछ करना कर लो। काली तो मर्म स्थान को दंशन करने लगे, कृष्ण को शरीर में लपट गए। जब लपट गए इतने में ब्रज में बड़े अनहोन से दिखने लगा, सारे ब्रजवासी लोग आकर के देखा ये काली तो कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण विरह में सबके सब प्राण त्याग देना चाह रहे थे, लेकिन दारू भैया सबको सांत्वना दे रहे थे, बोले कोई चिंता मत करो कन्हैया अभी अभी वापस आएगा, मरना नहीं कृष्ण अभी अभी वापस आएगा। दाऊ भैया ने कन्हैया को इशारा किया, बोले कन्हैया क्या करे नटखट कर रहे हो, अरे तुम्हारे खेलना है ना तो मेरे साथ में खेलना। बोले क्यों? बलदेव प्रभु को ये अनंत, बलदेव प्रभु ये अनंत नाग स्वयं, भाई खेलना तो मेरे साथ में खेल, ये मरे गए एक सर्प के साथ में तू क्या खेल रहे हो। बोले कन्या देख तेरे विरह में ब्रजवास कितने दुखी है, जल जल निकल कर गया। इतने में कृष्ण अपना शरीर को उन्होंने धीरे धीरे फुलाया और काली की कांठ कांठ टूटने लगा, और कृष्ण इतने में छोटे बने, निकल करके सीधा सर के ऊपर में कृष्ण चढ़ गए, और उसका सब फण था। काली एक साथ में कृष्ण को सब फण से काटना चाह रहा था, कृष्ण एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कृष्ण सुंदर नृत्य कर रहे थे, सारे देवता लोग उतर करके आ गए और प्रभु नृत्य कर रहे थे, सबके सब सुंदर वाद्य बजा रहे थे और कृष्ण नाच रहे थे। कैसे I'm not.
अगर भक्ति में कोई क्योंकि ये जीवन का जो लक्ष्य है वो घर गृहस्थी नहीं है, ये तो 84 लक्ष्य जोड़ी में यही काम करते करते खाए पिए बच्चे जन्म दिए बढ़ गए, यही तो करते करते आए और करना क्या किया।
दूसरे जीवन में हमने कौन सा बड़ी बार तीन बार दिए, अगर इसी जीवन में पा करके खाए पिए शादी किए दो चार पैसा कमा लिया दुकान मकान बन के भर गए, बोले जीवन तुम्हारा किस काम की आया, कोई काम नहीं। इसलिए अगर ये जीवन में पा करके भगवान की भक्ति नहीं हो पाए तो सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए वो सोच रही है ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब कृष्ण ठोकर मार मार करके मुंह से जब खून के उल्टी लगने लग गई, वो समझ गई भगवान लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नियां सही बता रही थी भगवान है। अभी उसकी जितने अहंकार अभिमान था ना, सारे अहंकार अभिमान चकना चुरू हो गया। कहते भैया इनकी भक्ति हृदय में भक्ति कैसे आई, इसका कुछ कारण बताए। पहला नंबर है ये कहाँ पर रहता था, बोले वृंदावन में ब्रज धाम पास कर रहा था। दूसरा कहते कालिया तट में यमुना की पानी पवित्र पानी है। और तीसरा कहते इनकी जो पत्नियां थी ना वो बड़े कृष्ण भक्त थे, कभी कभी इनकी पत्नियां कृष्ण की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करती थी। वो जो कथा सुनता था मानो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज बोया था, लेकिन वो जो भूमि ना उसर भूमि था इसलिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब कृष्ण का चरण स्पर्श हो गया, कृष्ण का चरण कैसे है, कहते शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्याने, उनकी चरण कोई साधारण नहीं, जिनको ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी चरण को पाने के लिए तपस्या करते हैं, वो दुर्लभ चरण जब इनकी सर के ऊपर में पड़ा। इसलिए काली पत्नियां कह रही हैं हमारी पत्नी पूर्व जन्म में कैसे कौन सा पुण्य किया था जो चरण को अपना सर से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी जोर जबरदस्ती चरण पर रख रहे हैं, हमारे पति क्या पुण्य किया था। लेकिन उनको पत्नियों ने जब देखा अभी हमारा पति बदल गया है, पति अभी बदल गया, अभी भक्त बन गया, अगर पति अगर भक्त होता है ना भजन करता है ये पति रहनी चाहिए, ये पति रहनी चाहिए। बोले क्यों, स्त्रियों को बोला अबला, स्त्रियों को कभी भी शास्त्र नहीं बताया स्वतंत्र रूप में रहना इनके लिए मना किया, जब बच्चे हो पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़े बनो पति के अधीन में रहो, और जब बूढ़ा बूढ़ी बन जाओ अपना बच्चों का अधीन में रहो। पत्नी स्त्री के लिए हर समय बताया कभी स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए। कहते स्वतंत्रता रही तो बुरी किया, एक उदाहरण दिया जैसे आटा की गोला है ना, अगर घर की कोने में रखोगे ना चूहा खा जाएगा, अरे आटा की गोला अगर छत के ऊपर होगा कौवा खा जाएगा। ये स्त्री जाति ऐसे है, अगर कहीं अकेले गए ना बस खत्म, अपना इज्जत रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है, कारण क्या, यही है, यही कारण हम स्वतंत्रता को स्वतंत्रता रहना चाहते हैं। इसलिए जितने सारे गड़बड़ी हो रही है डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। इसलिए अगर अपने आप प्रेम करोगे देखना इस जगत का प्रेम कहाँ से, बोले आई लव यू पहले यहाँ से शुरू होता है, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, और बाद में कहता आई क्लीव यू, फिर तो कोर्ट में जाकर के लड़ाई झगड़ा करो, कोर्ट में जाकर लड़ो। इसलिए अभी ये जो नाग पत्नियां थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, देखने में अगर कोई स्त्री देखने में बहुत अच्छी हो लेकिन कम उम्र में पति मर जाए फिर क्या होगा, जो दूसरे पुरुष है उसको ऊपर में बुरे नजर से देखने लग जाएंगे। ये बड़ी सुंदरिया थी, बोले अगर हमारी पति मर गया फिर दूसरा कोई नाग आकर हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा, इसलिए पति रहनी चाहिए। लेकिन पति अगर मर गया, इसलिए उन्होंने फिर खड़े हो गए बच्चों को सामने रख करके भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की, बोले प्रभु हमारे पति ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो कि जिनके सर पर नृत्य की। हाँ देखो ध्यान दे रहे सुना, अभी कृष्ण क्यों उसको पर नृत्य की पुराण में क्यों बताती है, एक कथा आती है कोई एक राजा था जिसके पेट में 24 घंटा दर्द होता था, उन्होंने बहुत दवा लिए लेकिन दवा कोई असर नहीं किया। एक समय एक साधु ने कहा देखो वहां पर एक कबूतर रोज आता है, वो कबूतर को अपना जाल में फंसा करके उसको मांस खा लो तेरे पेट की दर्द सही हो जाएगा। अभी ये राजा रोज जा करके वहां पर जाल बिछवाता लेकिन ये कबूतर किसी तरह से फंसता नहीं। फिर आए बोले एक काम करो तो साधु का रूप धारण कर लो, कबूतर अपने आप फंस जाएगा।
उसने जब साधु रूप धारण कर लिया, वो कबूतर सीधा उड़ते हुए उसको गोद में बैठ गया, इतने में पकड़ लिया। बोले भैया पहले पता ही नहीं था, पहले साधु रूप धारण कर लेता। अभी कबूतर का जब लेकर के जा रहा था, राजा का मन परिवर्तन हो गया। बोले क्यों? बोले ये कबूतर अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब संत का रूप धारण किया पकड़ में आ गया। मतलब जानते हैं ये संत है, ये कभी हमारे हमें नहीं खाएगा, ये विश्वास पूर्वक मेरे गोद में बैठा और मैं इसको खा लूं, ये ठीक नहीं। बोले भैया तू जा। जब उसको छोड़ दिया ना, इतने में कबूतर बोल पड़ा, बोले महाराज मैं परीक्षा कर रहा था, जाओ यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, उसमें एक गड्ढा है, उसमें एक संत निवास करते हैं, उनकी चरणामृत को पान कर आपका पेट दर्द सही हो जाएगा। देखा सचमुच से एक संत है। बोले बाबा थोड़ी सी चरणामृत दोगे, एक प्यार को बढ़ाओ। वो संत भी साधारण नहीं थे, वो भी परीक्षा कर रहे थे, उन्होंने एक चरण बढ़ाया तो देखा उसमें कुष्ठ व्याधि और उसमें पीक और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, ऐसे बदबू मार रहा था, पास में खड़े भी नहीं हो सकते। उन्होंने बोले भैया चरणामृत कैसे ले? बोले भैया दूसरा प्यार अच्छा होगा, बाबा दूसरे प्यार बढ़ा, दूसरे प्यार बढ़ाया तो उससे भी गया भी था, लेकिन अभी वो क्या करेगा, उसको चरणामृत लेना पड़ेगा, नहीं तो पेट में 24 घंटा दर्द है। उन्होंने एक हाथ को नीचे रखा, दूसरे हाथ में चरण को जब पानी डालकर सोच रहा था थोड़ा चरणामृत आएगा, चरणामृत किया, उनको प्यार में जो पी खून और जो कीड़े था ना, वही आकर के हाथ में गिरा, इतने बदबू मार रहा था, इतने में उसको बड़ा घृणा आया, उसने ऐसे फेंक दिया। लेकिन ऐसे फेंकते ही उससे अगुर चंदन कर्पूर की खुशबू आई, ऐसे तो फेंक दिया, लेकिन वो हाथ बना अपना सर पर ऐसे लगा दिया, इतने में वो हाथ ऐसे बिगड़ गया। बोले दुष्ट, संतों का चरणामृत लेना चाह रहा था, तुमने मेरे चरणामृत का अनादर किया, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तू सर्प ज्वनि में जाओगे। अभी वो तो संत के चरण में गिरकर रोने लग गए। बोले बाबा मेरी अपराध होगी, माफ कर दो। इतने में संत ने कहा ठीक है, तुमने माफी मांगा है ना, लेकिन वो चरणामृत को अपना सर पर लगा ले। एक दिन ठाकुर जी तेरे सर को गर्व नृत्य करेंगे, जब ठाकुर जी नृत्य करेंगे तेरे को उद्धार हो जाएगा। देखो इसलिए आप लोग देखना, हम चरणामृत लेकर क्या करते हैं, पा करके अपना सर को ऊपर करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की चरणामृत में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ उसमें निवास करते हैं। इसलिए भगवान कालियों को बोले यहाँ से तो निकल जा, ब्रह्मण के दीप में चले जाओ वहां से, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर लीला करूंगा। फिर भगवान अपना अमृतमय दृष्टि से जमुना नदी को पवित्र कर दिया और वो भगवान की क्रीड़ा भूमि बन गए। देखो इसका शिक्षा है, जैसे कि यमुना नदी पवित्र थी, यह तो पवित्र थी, लेकिन उसमें कालिया आकर के दूषित कर दिया, उसी तरह हमारा हृदय भी ऐसे पवित्र थी, लेकिन हमारे हृदय में भी जैसे उसको सौ कण है, उसी तरह जब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट ये भी हमारे हृदय को दूषित कर दिया, लेकिन ये दूषित पवित्र कैसे होगा? अगर भगवान कृपा करके छलांग लगाएंगे हृदय में और हमारे हृदय में जो काली रूपी जो अज्ञान अंधकार है, अगर प्रभु अपने चरण की ठोकर मार मार करके अगर प्रभु वहां से निकाल दे और अपना अमृतमय दृष्टि से अगर शुद्ध कर देना, एक दिन हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा, एक दिन प्रभु हमारे हृदय में लीला कर सकते हैं। बोले श्री काली नंदन भगवान की जय। जय श्री नंद को सुतम देव पति में कुरुते नमः। बोले ब्रज की एकदम छोटी छोटी कन्या है। बोले कितने उम्र की? बोले 3 साल 4 साल और 5 साल, एकदम छोटी छोटी बालिका है। ये क्या करती थी? ये माघ महीना में जाकर के यमुना में स्नान करती थी और रेतियों में बड़े सुंदर कात्यायनी की
मूर्ति बना करके इसी मंत्र से पूजा करते हैं। देखो ये जो मंत्र है ना, ये कात्ताय महामाये महायोगिन नदी सरी नंद गोप सुतम देवे पति में गुरुगणम, ये मंत्र दो काम करता है। अगर इसी मंत्र से कोई कात्ताय की देवी की पूजा करे ना, एक दिन कृष्ण तुम्हारी पति बन जाएगा। लेकिन इसी जगत में जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, अगर इसी मंत्र से देवी की पूजा करे कभी इनकी शादी नहीं हो जाती। बड़ी प्रभाव वाला मंत्र है। हमारी संतों ने बड़ी कात्ताय महामाई ये एक एक शब्द को जो व्याख्या किया ना, अद्भुत उन्होंने व्याख्या। क्यों उनका नाम कात्ताय, ये महामाय क्यों, महाअधीश्वरी क्यों है, ये कारण क्या है? बोले अघटन घटन पटेसी, हे को नहीं है, नहीं को हे कर सकती है। इनकी कृपा से एक दिन बोले नंद के लाला कृष्ण हमारे एक दिन पति बन जाए। एक दिन कृष्ण संतुष्ट होकर आए, गोपी की चीर चुराया और भगवान उनका आशीर्वाद दिया। जब गोपियों ने अपना लाज लज्जा सब कुछ त्याग देकर के कृष्ण के चरण में शरणागत हो गए, कृष्ण खुश हो गए। बोले गोपियों, शरद पूर्णिमा में मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। एक दिन भगवान बंसी भट्ट व कृष्ण नीचे आए और उन्होंने पूर्ण चंद्रमा को दर्शन किया। पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करते हुए उनको श्री ईश्वर जी की राधा रानी को याद आई। राधा रानी को याद आते ही बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के प्रभु बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने भगवान मिष्टी मिठी 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 बंसुरी बजाई। देखो श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये रासलीला को वर्णना करते हैं ना, सबको सावधान करते हैं। बोले भैया ये जो रास रचया कोई इंसान नहीं, बोले ये कौन है? बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका बिखरत मनश्चक्रे जोग माया उपाश्रिता। कहते ये जो रास कर रहे हैं ये भगवान है, कोई जीव नहीं कर सकता है। अगर कोई सोचे क्या भगवान केवल रास कर सकते हैं दूसरे दूसरे गोपियों को लेकर के, हम क्या रास नहीं कर सकते? बोले भैया घर में अगर एक बीवी से अगर दो बीवी, एक जो पत्नी शादी किया उसको पता चलता होगा, अगर एक को साथ में जीवन किसी तरह से बीत जाए ना, समझना गंगा में हमने हाथ धो लिया है, हैं? एक को साथ में अगर घर में दो हो जाए ना, फिर देखना घर में क्या होता है। महाभारत महाभारत और कृष्ण जब रास करते हैं, 100 करोड़ गोपियां थी, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ। कृष्ण जब द्वारका में गए 16108 पटरानियों को साथ में लीला कर रहे थे। एक दिन नारद भी चक्कर में पड़ गए। बोले भैया घर में अगर दो बीवी हो संभालना कठिन है, फिर कृष्ण इतने को कैसे संभाल रहे थे। एक दिन वो द्वारका में पहुंचे, पहले को रुक्मिणी को घर में गए, देखा भगवान बैठी करके रुक्मिणी को साथ में पासा कर रहे थे। जब जब नारद जी गए, कृष्ण उनको स्वागत करके बैसराए पासा दिया, चरण की पूजा की। बोले बाबा बीच बीच में आया करो, बड़े दिनों में आए। वहां से विदाई लेकर के सत्यभामा के घर में गए, देखा वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही विदाई होकर के दूसरे घर में गए, कृष्ण कहते नारद जी बड़े दिनों में आए। नारद चक्कर में पड़े गए, बोले अभी तो प्रभु विदाई दिया, कहते बड़े दिनों में आए। जिस जिस घर में गए प्रभु को उन्होंने अलग 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 लीला करने के लिए दिखा, जिस घर में गए उन्होंने, और हर घर में प्रभु कह रहे थे बोले आप तो बड़े दिनों में आए। उतना रूप प्रभु धारण किया था। हाँ देखो एक समय एक व्यक्ति का दो बीवी थी, पति दिन भर बाहर काम करता है, सोचता है जब घर में जाऊंगा ना पत्नी बड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठ कर गर्म गर्म रोटी खिलाएगी, हवा पंखा झुलाएगी। लेकिन रोज घर में आओ तो रोज महामारी, दोनों पत्नी में रोज झगड़ा। एक दिन वो इतना दुखी हो गया, बोले एक काम करता हूँ, ये दोनों के लिए ना दो मकान बना दे, दो मंजिल बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर तो घर में शांति सुख रहेगी। लेकिन जो नीचे रहती है ना, वो पहले से ही रोटी सब्जी गर्म पानी बनाकर घर को सामने बैठ रही थी। जब पति आए उसको हाथ पकड़ करके जोर जबरदस्ती वो अपना घर में ले लेती है। लेकिन जो ऊपर रहती ना वो परेशान थी, बोले भैया रोज रोज ये झगड़ा है। एक दिन जो ऊपर रहती थी बोले आज मैं मजा चखा, वो रोटी सब्जी बना करके नीचे आकर बैठी थी। बोले आज देखो कैसे नीचे जाते हैं।
जब पति आए सीधा हाथ पकड़ करके बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर देखती रह जाती, ऊपर चलो मैं भी तो खाना पीना बनाकर बैठी हूँ। जब उनका हाथ पकड़ के जो ऊपर ले जा रही थी ना, इतने में जो नीचे थी बोले कहाँ जा रहे हो भैया, मैं भी तो रोटी सब्जी बना करके बैठी हूँ। एक तो हाथ पकड़ करके ऊपर खींचते हुए ले जा रही थी, दूसरे ने टांग पकड़ ली। अभी एक हाथ पकड़ कर खींच रही है और एक टांग पकड़ कर खींच रही है। अभी कोई भी छोड़ने के लिए तैयारी नहीं। उसी समय में एक चोर चोरी करने के लिए आया था। वो चोरी क्या करेगा, बोले भैया अगर घर में दो बीवी हो देखो क्या नाटक हो रही है। वो तो चोरी करना भूल गया उसने। इतने में बड़े देर में जब झगड़ा शांत हुई, देखा भैया घर में चोर घुसा हुआ। चोर को पकड़ करके पुलिस के पास मिले गए, बोले भैया इसको क्या सजा दिया जाए। वो चोर कहता है मेरे को जो सजा देना दे सकता हूँ, लेकिन एक सजा एकदम मत दो। बोले भैया कौन सा सजा, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। इसलिए लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ये जो रास रचया है ना वो साधारण नहीं, ये भगवान है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक ही है। अगर हमारी पूर्ण रूप में कोई इच्छा पूरी कर सकती है ना, तो वाक्य बिहारी कृष्ण ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हरि। इतने में भगवान कृष्ण बंसी बटन को नीचे उन्होंने जगो पलो बाम दिशा मनोरा, उन्होंने बंसी ध्वनि बंसी से उन्होंने क्लीक शब्द को उच्चारण किया। देखो आप देखना जितने मंत्र है ना, हर मंत्र से पहले ये क्लीक अक्षर रहता है, उसमें पांच अक्षर है। देखो मेरे तरफ में जैसे क एक अक्षर हो गया, उस पर नीचे ल दो अक्षर हो गया, इसमें ई तीसरा, चंद्र और बिंदु कितना हो गया पांच। ये बीज मंत्र है, ये क्लीक शब्द में अक्षर में सब कुछ है। ये विश्व ब्रह्मांड जो बना हुआ ये पांच चीज को द्वारा बना हुआ, क्या है, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। समझो जो क्लीक अक्षर है इसमें विश्व ब्रह्मांड है, और का मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब उनकी प्रेम दोनों मिलन, चंद्र बिंदु मतलब होता है इनकी जब मिलन में जो आनंद होता है। इसलिए उन्होंने तो क्लीक शब्द को उच्चारण की, लेकिन जितने गोपियां है ना वो सुन रहे थे, राधा रानी सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 आवाज आ रही, ललिता सुन रहे थे केवल ललिता ललिता शब्द निकल रही है, विशाखा सुन रहे थे केवल विशाखा विशाखा शब्द आ रहे थे। इतने में उदाहरण देते हैं, देखो जो जो कोई चोर का सरदार होता है ना वो कभी चोरी करने नहीं जाता है, वो अपना स्थान पर बैठा रहता है और अपना चेले चापाटियों को भेज देते हैं, बोले भैया माल को लेकर के मेरे पास में ले आ। लेकिन असली जो चोर है ना सरदार वो नहीं जाता है, भैया सबसे बड़ा चोर कौन है, बोले कन्हैया। इसलिए श्री वल्लभाचार्य पूरा चौरागर ग्रंथ में एक पूरा अष्टक उन्होंने लिखा, बोले ब्रज पसिदम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। कहते कृष्ण कौन, बोले सबसे बड़ा चोर है, सारे पाप को चोरी करता है, मन को चोरी करता है, दुख को चोरी करता है, हृदय को चोरी करता है, सबसे बड़ा चोर कौन है, ये कृष्ण बांके बिहारी। अभी उन्होंने एक जगह पर बैठ करके उन्होंने बंसी बजाई, ये बंसुरी नहीं, इन्होंने चोर को भेज दिया, बोले भैया जाओ माल को पकड़ करके ले आओ, लेकिन मेरे को माल देना। कहते भैया माल मतलब क्या, बोले धन दौलत, सबसे बड़ा धन दौलत तो क्या, बोले प्रेम, भगवान के चरण में जो प्रेम है। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे बत्ती में बिखरा हूँ गली गली। इसलिए असली जो धन है कृष्ण प्रेम धन है। बोले भैया वो प्रेम धन कहाँ रहता है, बोले भक्तों का हृदय, बोले भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन, बोले गोपियां, इनके हृदय में कृष्ण का प्रति जो प्रेम यही धन है। इसलिए मैं कृष्ण ने बंसुरी बजाई, बंसुरी नहीं उन्होंने चोर को भेज दिए, बोले जाओ भैया माल को ला करके लाओ। अभी चोर जब चोरी करने के लिए पहुंचा, देखा सारे दरवाजा खुला हुआ, बोले वाह बड़ा सुंदर मौका, दरवाजा कौन, बोले गोपियों की कान। अब ये कानों में ये बंसी ध्वनि प्रवेश की,
प्रवेश करके गोपियों के हृदय में गई और उनको कृष्ण का प्रति जो प्रेम है ना, वो धन को उन्होंने लूटा और लूट करके ले चले। अगर आपके घर में कोई चोर आए, जितने की भर आपने जो पैसा को कमा करके रखे, वो पैसा को लेकर अगर भगे तो आप क्या करोगे बताओ? उसको पीछे पीछे दौड़ते बोले भैया हमारा जिंदगी भर की कमाई लूट गई, सारे दंपति लूट गई। इतने में कृष्ण जब उन्हें क्लीन शब्द उच्चार की, जब गोपियों के हृदय में प्रवेश की, कोई पति की सेवा कर रहे थे, कोई गोधन कर रहे थे, कोई बच्चे को दूध पिला रहे थे, कोई घर में रसोई बना रहे थे, कोई काजल पहन रहे थे, कोई वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन कृष्ण बंसी ध्वनि सुनते ही इनके हृदय में की संपत्ति जब चोरी हो गई। इतने में कोई एक हाथ में काजल पहनी है ना, दूसरे हाथ में नहीं पहन पाई, गले की जो हार को कमर में, कमर की करधनी को गले में पहन लिया, कोई आधा वस्त्र पहन हुई, उसी अवस्था में सब के सब छोड़ करके भगे। लेकिन कुछ गोपियां तो निकल गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई, उनको पतियों ने निकलने नहीं दिया। खबरदार बीच रात में कहां जा रही हो, घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे, घर से निकल नहीं सकते हो। आते को ध्यान दे रहे, अभी कौन कौन निकली और कौन नहीं निकल पाई? बोले जिनको पतियों को साथ में कोई संबंध नहीं था शरीर का, वो जिसका शरीर शुद्ध एकदम पवित्र था, पति को द्वारा पवित्र अपवित्र नहीं हुई, वही लोग ही घर से निकल कर गए। लेकिन रुक गई कौन, इनको जाने नहीं दिया जो माया, जिनके शरीर पति के शरीर से संबंध था, ये शरीर छोटा हो गया, ये शरीर कृष्ण सेवा के लायक नहीं था, इसलिए उनको पतियों ने रोक दिया। लेकिन जब रोक दिया ना, इतने में गोपियां तो कृष्ण विरह में इतने व्यथित हो गए, बोले हे प्रभु आज हम दिन भर रास में सम्मिलित नहीं हो पाए, इसलिए बड़ी दुखी हो गई। जब दुखी हो गई ना, इतने में क्या हुआ, उनकी विरह में इनके हृदय में जो कमियां थी वो कमी दूर हो गई। उदाहरण दिया, जैसे कोई एक मालिक, जैसे पेड़ में आम है, देखना आम को तोड़ करके घर में उसको गरीब में रख देते हैं, और जो जो पकता है ना, वो एक एक आम सेवक लेकर के अपना मालिक को देखता है, एक एक पक जाए एक के देता है। अभी इनके हृदय में जो कमी थी, इनके हृदय में जो विरह रूपी जो गरीबी है, गरीबी से इनके हृदय में जो कमी दूर हो गई। दूर जब हो गई, इसी शरीर को तो उन्होंने रोक दिए, इस शरीर को, लेकिन मन को तो रोक नहीं सकते ना, आत्मा को तो रोक नहीं सकते। इतने में इनके विरह में शरीर तो यही रह गई और आत्मा शरीर से सबके सब भगवान के पास में, कृष्ण के पास में पहुंच गए। जो पहुंच गए, भगवान कृष्ण कहते हैं बोले स्वागतम मे महाभागा। कृष्ण के बोले दो बार स्वागत शब्द प्रयोग किया। बोले स्वागत क्यों कह रहे हैं? बोले तुम लोग ने संसार का सारे बंधन को तोड़ करके मेरे पास में आए हो, इसलिए मैं तुमको स्वागत करता हूँ। बोले तुम लोग कौन हो? बोले महाभागा, जितने भाग्यवतियों में तुम सबसे बड़ी भाग्यवती हो, क्योंकि तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, मेरे को भक्ति करती हो, सब बंधन को तोड़ करके आए हो। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, तुम लोग आए हो, वृंदावन के स्वभाव को दर्शन करो, और करते हुए तुम लोग पतिव्रता नारी, देखो पति लंगड़े लूढ़े निकम्मा कुछ क्यों नहीं हो, पतिव्रता धर्म होता है, अपना पति की सेवा करना। ये घोर अंधकार रात्रि है, ये घोर अंधकार रात्रियों में स्त्रियों का रहना सही नहीं है, जाओ घर में वापस चले जाओ। देखो यहाँ पर कृष्ण तो बहुत शिक्षा देते हैं, लेकिन एक साधारण शिक्षा है, शिक्षा देते हैं माताओं को। हरे कृष्ण कहते माताओं को अकेले कभी घर से निकालने जाने नहीं देने चाहिए। इसलिए आप लोग जो बड़े बड़े व्यक्ति हो, देखना शाम होने पर कोई बेटा बेटी को कोई बाहर नहीं देते, घर में अगर देर किया ना मैं क्या कर रहे थे, क्यों देर दी, क्यों बच्चे बिगड़ नहीं जाए, बच्चे कोई बिगड़ नहीं जाए, पिता माता शासन करते थे। बोले नहीं, शाम हो गया अपना काम करके अपना घर में वापस आ जाओ, अपना घर में रहो, बाहर नहीं रहनी चाहिए। किंतु अभी तो सब दुनिया सब पे सब उल्टा हो गया, पता नहीं रात में कौन किधर जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, पिता किधर जा रहे हैं, बेटा किधर जा रहे हैं, बेटी किधर, इसलिए जितने सारे लड़ाई झगड़ा अलर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं पतिव्रता नारियों को घर से बाहर रात में नहीं जानी
चाहिए, ये अनहोनी, ये सही चीज नहीं है। माता बहन को ठाकुर जी शिक्षा देते हैं। और पति को सेवा हमें करनी चाहिए, पतिव्रता स्त्रियों का कर्तव्य, पति की हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, देखो तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बोले बताओ क्या स्टोरी सुनाते हो। बोले देखो जो पतिव्रता नारी है उसमें कितने शक्ति रह जाती है, कितने शक्ति। बोले एक समय दो पति पत्नी रहती थी, घर में एक छोटा बच्चा है जो केवल घुटन पर चलना जानता है। वो बच्चा सो रहा था और थोड़ी देर पहले घर की पत्नी चूल्हे में उन्होंने अभी अभी सब्जी बनाई, रोटी बनाई, अभी लकड़ी का जो आग में लकड़ी अभी धधक रही है। इतने में पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा था पति। इतने बच्चे की नींद खुल गई, नींद खुल गई तो बच्चा, छोटा बच्चा अभी घुटन पर चलते चलते चूल्हे के पास में चला गया, अभी वो चूल्हे में गिरने वाला। इतने में पत्नी तो घबरा गई, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बच्चे को रक्षा करने के लिए जाती ना, पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, पर बच्चे का नींद खराब हो, पति का नींद खराब हो जाएगी। मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति की नींद खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन तो बच्चे से चूल्हा में गिर पड़ेगा। फिर सोच रही है मैं पतिव्रता, मेरी पहला कर्तव्य पति सेवा करना, बाद में बच्चे की सेवा करना। सचमुच से देखते देखते बच्चा है ना आग में गिर गया। थोड़ी देर बाद में पति की नींद खोली, बोले लाला का, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने रक्षा नहीं की, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, मैं कैसे आपका नींद को मैं कैसे खराब कर दी। इतने में बोले चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो इसकी इतने पति व्रता में इतने शक्ति थी, वहां पर जा करके देखा बच्चा चलते हुए आग को अंदर में किलकारी मारकर ये खेल रहा था। बोले क्यों, पति व्रता की इतने शक्ति। कृष्ण ने कहा देख लिया, जो पतिव्रता धर्म जाजन करती है उसमें कितने शक्ति रहती है। इसलिए तुम लोग पतिव्रता नारी घर में वापस चले जाओ। वो पियो ने कहा हम भी एक स्टोरी सुनाए। बोले सुनाओ क्या स्टोरी सुनाओ। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम में रहते थे। एक दिन पत्नी ने पति को बोला, पति पति पत्नी को बोले देखो मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। बोले आप बाहर जाओगे तो मैं जो श्रृंगार करते हो तो तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करते हूँ, रसोई तो तुम्हारे लिए बनाता हूँ, जो बिस्तर को सजाती हूँ तुम्हारे लिए, घर जो साफ करती हूँ तो तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए करूँगी। बोले देखो कोई जरूरी काम है। पति ने कहा देखो मैं एक अपना फोटो देकर तुम्हें जा रहा हूँ, जब तक नहीं आऊंगा ना ये फोटो को बुझा करते रहना। अभी पति चला गया, अभी ये फोटो को ही बुझा करते सुला दिया। अभी जो पति को सेवा कर रहे थे इतने पति आ गए, अभी दरवाजा खटखट गया। इतने में गोपियां कहती है श्याम सुंदर बताओ अभी वो पति पत्नी को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब पति आ गए मेरे फोटो को पूजा करने का क्या जरूरत है। बोले देखो श्याम सुंदर आप ही तो गीता में बताया ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुमने बुलाया, फिर यहाँ पर फिर बोलो घर में चले जाओ। इसलिए तुम ही तो जगतपति जगन्नाथ तुम है ना। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर प्रभु के लिए अगर कोई काम करते हैं कृष्ण के लिए उसमें दोष नहीं, लेकिन अगर भगवान के लिए नहीं करते माया के लिए करते वहां पर दोष है, हां वहां पर दोष है। भगवान बहुत खुश हो गए। गोपियां कहा देखो श्याम सुंदर तुमने हमें कितने प्यारी प्यारी कथा सुनाई, कितने सुंदर सुंदर उपदेश दिया, तू गुरु हो गया ना। लेकिन शास्त्र कहता है गुरु गोविंद दो कड़े काक लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। तुमने तो खुद बताया प्रथम हो तो गुरु पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, फिर मेरी तो जगत गुरु जगन्नाथ है ना, जगतपति कृष्ण को नहीं, कृष्ण बंदे जगत गुरु, तू जगत गुरु है ना। जब उन्होंने ये बात बताया ना कृष्ण खुश हो गए, खुश होकर फिर गोपियों के साथ में भगवान रास दिया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, प्रभु दिव्य रास कर रहे थे। जो एक हाथ में काजल पहन करके आए प्रभु दूसरे हाथ में पहना दिया, जो गले में करधनी
करधनी को गले में फिर उन्होंने ठाकुर जी ठीक सुंदर रूप में उनको सजा दिए। जो आधा कपड़ा पहन करके आए थे ठाकुर जी उनको पूरे कपड़ा पहना दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सही सही श्रृंगार करा सकता है कौन कर सकता है, ठाकुर ही हमें श्रृंगार कर सकते हैं। जब रास कर रहे थे गोपियों को शरीर से अगर पसीना निकले ना, कृष्ण अपना दोपटा से पसीना से पोंछ रहे थे। कभी कभी कृष्ण बोलते थे बोले क्यों गोपियां थक गई हो, थोड़ा चरण दबा दूं। देखो माताओं में एक दोष भी है, जानते हो क्या माताओं में दोष है, अगर पति अगर ज्यादा प्रेम करती है करता है ना, पर पत्नियां सर पर चिढ़ चढ़ बैठती। अभी गोपियों को तो बड़े सौभाग्यवत होने लग गया, बोले देखो कृष्ण हमें कितने प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियां ये नहीं देख रही थी कृष्ण हर गोपियों के साथ है, लेकिन गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में। लेकिन स्त्री राधा रानी देख रही थी केवल राधा, कृष्ण सब गोपियों के पास में, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। इतने में गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत हुआ और उन लोगों ने राधा रानी को नेग्लेक्ट कर दिया, बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम स्वयं समर्थ आए, मतलब राधा की कोई जरूरत नहीं, हम राधा रानी के बगैर पूर्ण नहीं। लेकिन कृष्ण ने देखा गड़बड़ी है, क्यों, रासेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी, मूल रास का जो मूल श्री राधा रानी, इनके अंदर में तो राधा रानी के प्रति निगलित बुद्धि होने लगी, राधा रानी को अनादर कर रहे हैं। बोले इनके अहंकार को इनके अभिमान को दूर करने चाहिए, राधा रानी का अंदर मान हो गई। बोले क्यों, बोले कृष्ण सबके साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, फिर मेरे क्या महत्व रह गया। इसलिए कृष्ण उन्होंने राधा रानी के मान को मनाने के लिए, गोपी मां को अभिमान दूर करने के लिए कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान होते ही बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो जयकार दे सब चुपचाप बैठे, भगवान की जयकार क्यों नहीं दे रहे, भगवान की जय करने सब से जय होगा ना, इतने जोर से जय दो छत जैसे उठ जाए। अब वो जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी लग रहा है जैसे कथा हो रही है। इतने में जब कृष्ण वहां से अंदर ध्यान हुए, इतने में जैसे एक हाथी हस्ती को छोड़ देने पर मधुवाला बन जाती हाथीनियां, ऐसे ही गोपियां तो कृष्ण विरह में एकदम दीवानी बन गई, कृष्ण लीला की अनुकरणता करने लग गई। और इतने में श्याम सुंदर थोड़ी दूर गए और एक सुंदर श्यामा सखी रूप धारण किया, बोले एक काम करो चलो हम दो दो होकर के कृष्ण को ढूंढने के लिए जाएंगे। और कृष्ण श्यामा सखी बन करके श्री राधा रानी को लेकर के पूज्य में चले गए और उन्होंने राधा रानी को बड़ी सुंदर फूलों की माला से राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार करवाए। और इधर गोपियां ढूंढते 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 लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे। देखते देखते उन्होंने देखा पृथ्वी को प्रश्न किया, बोले पृथ्वी तू तो सर्वत्र व्याप्त है, तेरे को पता तो होगा कृष्ण कहां पर गए। इतने में देखा कृष्ण की दो चरण देखा, क्योंकि कृष्ण का चरण की सेवा सब करती है, बोले भैया कृष्ण के घर गए, क्योंकि कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है, ये उन्हें से चिन्ह और किसकी चरण में नहीं, पहचान गए। और थोड़ी दूर गए ना, देखा दोनों चरणों के बीच में एक प्यारी बड़ी सुंदर एक चरण चिन्ह है। इतने तीन तरह का सखी आए, कुछ राधा पक्षी कुछ कृष्ण पक्षी और कुछ राधा कृष्ण दोनों पक्षी। अभी जो राधा जी की चरण की जो सेवा करती है वो तो राधा जी की चरण की चिन्ह जानती है, बोले भैया यही गोपी ही कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण सबका मोह छोड़ करके केवल इसको लेकर गए। कहती ये कौन है, बोले श्रीमती किशोरी श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी। और थोड़ी दूर गए देखा वो बीच का चरण चिन्ह नहीं, फिर भैया बीच का चरण चिन्ह कहाँ गया, दूसरी गोपी रहती है ये तो हृदय में और भी पीड़ा देने वाली, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण देखो ज्यादा नीचे दबा हुआ, बोले मतलब बोले समझ नहीं रही हो, वो कृष्ण है ना वो सखी को अपना गोद में उठा करके ले गए, इसलिए कृष्ण का चरण थोड़ा ज्यादा ऐसे ऐसे करते करते जब ढूंढ रही थी कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी। इतने में कृष्ण हई होला सुने राधा जी को, बोले देखो राधे चलो हम जल्दी जल्दी चले जाती है। लेकिन राधा रानी सोच रही है मैंने जो किया ना अच्छा नहीं किया, क्यों, तू अकेले कृष्ण को ला करके आनंद ले रही हूँ,
गोपियां तो मेरी प्रकाश है ना, और गोपियां देखो कृष्ण विरह में कैसे रो रही है। अगर मैं थोड़ी सी मानी की हो जाऊं, कृष्ण थोड़ी सी ज्यादा मनाने लग जाए ना, हो सकता है श्री गोपियां आ जाएगी, फिर सब मिलकर ग्रास करेंगे। राधा रानी बोली, देखो श्याम सुंदर मैं चल नहीं पा रही हूँ, जैसे रासों से उठा करके लाए थे ऐसे उठा करके ले जाओ। बोले क्या कंधे पर बैठे हो? बैठा दो बस। राधा रानी बैठने के लिए गए तो कृष्ण वही अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी तो हा कृष्ण करते करते वही राधा रानी बेहोश हो गई। फिर गोपियां आकर के राधा रानी को होश दिलाती है, बोले देखो कृष्ण को जो प्यारा उनका भजन, चलो हम यमुना किनारे में बैठेंगे और उनका भजन गाएंगे, कृष्ण दर्शन देंगे। बोले यमुना किनारे में क्यों? कारण क्या? बोले कारण है कि जो यमुना नदी है ना, ये राधा कृष्ण को मिलन कराती है। देखो एक नई कथा सुनो। बोले एक समय कृष्ण को राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर मैं तो मान करती हूँ, तुम मेरे को मनाते हो, एक बार तुम मान कर मैं तुमको मनाऊंगी। कृष्ण ने कहा थोड़ी पुरुष लोग मान करते, मान तो स्त्रियां करती हैं और पुरुष लोग उनको मान को मनाते हैं। राधा रानी कहती है मैं तो मान करती हूँ, पर तुम भी मान करो ना, मैं कोशिश करूंगा तेरे को मनाने के लिए। कृष्ण बोले ठीक है। अभी कृष्ण मान करके बैठी है। देखो जब कोई सचमुच से सोया हुआ हो ना उसको जगा सकते हो, अगर कोई नाटक कर रहे हो सोने का उसको जगा सकते हो? आप उसको जगा नहीं सकते। मान का कुछ कारण होता है, लेकिन यहाँ पर तो मान का कोई कारण नहीं। कृष्ण को बोले मान कर, कृष्ण मान कर बैठ गए। अभी राधा रानी मनाते मनाते तो किसी तरह से कृष्ण को तो मना नहीं पा रहे। राधा रानी बोली भैया मैंने क्यों बताया मान करने के लिए, अभी तो इनके मान ही मना नहीं पा रहा हूँ। अभी राधा रानी बड़ी दुखी हो गई। इतने में उन्होंने सिर्फ यमुना के पास में गई, यमुना नदी कालिंदी के पास में। बोले ऐसे ऐसे कालिंदी कहती मैं तो चुटकी बजा तो उसका मान को मैं तोड़ दूंगा। बोले कैसे? बोले देखो इतने में ये यमुना जो कालिंदी को देखने में कृष्ण रंग की, और कृष्ण देखने में जैसे ना वो कालिंदी देखने में वैसे। इतने में कालिंदी ने क्या की, एकदम कृष्ण के श्रृंगार की। देखना एक लड़की को अगर एक लड़का सजाया जाएगा ना, देखना लड़के से ज्यादा सुंदर ये लड़की लगती है। किसी लड़की को लड़का बना देखना सबसे सुंदर लगती लड़की, वैसे लड़की सुंदरी होती है। इतने में कालिंदी एकदम कृष्ण की श्रृंगार की, बड़ी सुंदर छोटी मोटी मोटी काजल मयूर पंख और मुकुट पहन करके कालिंदी इतने सुंदर कृष्ण के श्रृंगार की करके कृष्ण को पास में आ गई। इतने में कृष्ण को देख रहे हैरान, बोले भैया क्या मेरे भैया क्या जमज संतान जन्म दी मेरे को बताई नहीं, ये तो मेरे से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्या कृष्ण मैया ने दो संतान जन्म दी थी और ये कालिंदी कृष्ण से भी सुंदर लग रहे थे। इतने में जो कालिंदी वहां पर आए ना, जितनी सखा सखियां थी, बोले लगता है भैया यही तो असली कृष्ण है, जो असली कृष्ण को तो छोड़ दिए और नकली कृष्ण को पीछे सब चले गए। कृष्ण ने देखा भैया ये क्या हुआ, मेरे को तो छोड़ दिए और इसको पीछे भाग गए। कृष्ण समझ गए भैया दाल में कुछ काला है। इतने में बोले भैया तू कौन? बोले कृष्ण। बोले भैया मैं भी कृष्ण, फिर दोनों मित्र हो गए ना। बोले हाँ। बोले थोड़ी सी मेरे गले से मिलो। जब कृष्ण गले से मिले ना, फिर तो उनको पता चला भैया ये कौन है, ये कालिंदी है। इतने में कृष्ण का जो मान ना पूरा टुकड़ा ऊपर गया। लेकिन किसकी कृपा से? ये कालिंदी की कृपा से, यमुना की कृपा से। इसका मतलब ये यमुना है कि राधा कृष्ण दोनों को ये मिलन कराती है यमुना नदी। इसलिए बोले चलो हम श्री यमुना किनारे में बैठ करके हम कीर्तन करेंगे, क्योंकि कृष्ण को कीर्तन सबसे प्यारा है। और हमारा उपनिषद कहता है ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना सोचेन। भगवान को कोई प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई बुद्धि से कोई ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हो? बोले जमे वैसे त्रिनोते न लभ्य, उनको वही जान सकते हैं सही जाने जा रहे देहो जनाई। जिनको भगवान कृपा करके जनाते हैं वही ही भगवान को जान सकते हैं। बोले चलो कीर्तन करेंगे, कीर्तन से भगवान संतुष्ट होते हैं। अभी हम गोपी की दिखाए के दो चार श्लोक सुना देते हैं, ठीक है। Yeah.
हमारे जो टीकाकार है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया अर्थ निकाले, एक एक श्लोक में दो दो अर्थ निकाले। अगर ये गोपी गीत को सात दिन में करो ना, तभी ये खत्म नहीं होगा। कितने बढ़िया बढ़िया अर्थ निकाले, और हम तो सात दिन में पूरी कथा सुनना चाह रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने गोपी गीत गाए, इतने में कृष्ण इनको बीच में मनमथ का मनमथ रूप लेकर प्रकट हो गए। गोपियों ने कोई अपना चुंदरी को उतार करके भगवान कृष्ण को वहां पर बैठाए और कृष्ण से तीन प्रश्न करते हैं। बोले देख कृष्ण, की जगत में तीन तरह का लोग होते हैं। पहला नंबर है जो भजन करने वाला, तो जो भजन करता है। दूसरा नंबर है करे नहीं करे तब भी वो भजन करता है। तीसरा नंबर है करे नहीं करे जिसको साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ ये तीनों में तुम कौन हो? हाँ ध्यान देकर सुनो। बोले पहला नंबर जो करने पर जो करते हो बढ़िया, जैसे 100 रुपया लेकर किसी दुकान में जाओ, आप 100 रुपया दो, आपको 100 रुपया की माल दे दिया, बस वहां पर प्रेम श्रम कुछ नहीं है। दूसरा नंबर करे नहीं करे तभी करता है, बोले ये कौन है? बोले पिता माता है। देखना बच्चे भले ही जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता की जो स्वभाव स्नेह है बच्चे के ऊपर, ये बच्चा मेरे बच्चा है, बच्चा मेरे बच्चा है, इसलिए माता की स्वभाव स्नेह। देखो एक समय कोई एक प्रेमिका है, प्रेमिकों को बोला, बोले देख तेरे को तभी मैं प्रेम करूंगी अगर तू अपना मैया को मार करके उसका कुछ दिल अगर ले आ। वो पागल गया, चाह करके सचमुच से अपना मैया को मार डाल और मार करके ना उसको दिल को लेकर के, मैया के दिल को लेकर के आ रहा था। आते आते इतने में बीच में कहीं उसने ठोकर खाकर गिर गया। जब गिर गया माँ की हृदय से आवाज आ रही है, बोले बेटा तेरे को कहीं चोट तो नहीं लग गया? तेरे को कहीं चोट तो नहीं लग गया? तेरे को देखो माँ की दिल इतने बड़ी। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसलिए हर समय पिता माता की सेवा हमें करनी चाहिए। इसने घर में एक नई बहू आ गई, जिस मैया ने तुमको 9 महीना तक गर्भ में धारण किया, मुंह खाना निकाल करके तुमको खिलाया, स्वयं हिली में सो करके तेरे को सुखा में सुलाया, और इतने बड़े लिखा पढ़ा सिखाए। इसने घर में एक बहू आ गई और कान में ऐसे मंत्र दे दिया, पिता माता को अलग कर दिया, नहीं कभी नहीं होनी चाहिए। देखो अच्छे तरह से समझो, हम जैसे अपना सास ससुर को सेवा करेंगे, हमारी बहू भी हमारी ऐसे सेवा करेगी। अगर हम सास ससुर की पिता माता की सेवा नहीं करेंगे, बहू कभी भी हमारी सेवा नहीं कर सकती। ये चीज को हमें याद रखनी चाहिए, हाँ ये चीज को हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए क्या करनी चाहिए? बुजुर्गों को, व्यक्तियों को, बड़े बूढ़ों को सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमने बताया था एक बार, हमारे बड़े गुरुजी के पास में कोई आए, बोले गुरुजी ये बच्चा मेरे बात नहीं सुनता है। गुरु से पहले पिता माता के चरण छूते थे, गुरुजी की चरण छूते थे। जब दशरथ महाराज शयन करते थे, राम स्वयं पिताजी की चरण की सेवा करते थे। अगर तो रामायण पढ़ता ना, तब तो ये शिक्षा मिलता। रामायण तो पढ़ाए नहीं, पढ़ाया नहीं, और बच्चे को तुमने स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया, 10-10, 20-20 हजार की तुमने स्मार्टफोन बच्चे को पकड़वा दिया, जिससे उसका जिंदगी बिगड़ सकता है, वो चीज तुमने दे दिया। लेकिन तुमने बच्चों को कभी बताया नहीं, बेटा थोड़ा रामायण पढ़ो और गीता थोड़ा भागवत पढ़ो, कभी बच्चे को बताया? बोले नहीं। बोले फिर बताओ तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, बच्चे हमारी कैसे सुधरेंगे? देखो आप लोग सुने होंगे एक इंडोनेशिया एक कंट्री है, कभी ये मुसलमान कंट्री है, ये लोग हमारी भारत से संतों को बुलाते हैं। एक मुरारी बाबू का नाम सुने हो? मुरारी बाबू का नाम सुने? इन्होंने इनको अपना देश में बुलाते हैं। बोले क्यों? बोले आ करके हमारा देश में तुम रामायण सुनाओ। बोले भैया रामायण तुम सुनना चाहते हैं? बोले कारण है हमारी घर की बेटी बहुत सती बन करके रहे, क्योंकि एक धोबिनी कहीं आ रही थी, किसी कारण से कहीं रुक गई किसी घर में, इसलिए सारे अयोध्या में इसको लेकर लड़ाई हो गई। इसी वजह से भगवान राम को सीता को त्याग देना पड़ा। क्यों भगवान क्यों सीता को त्याग दी? कारण है भविष्य में कोई ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करे, माताएं घर में सती बन करके माताएं रहे, इसलिए वो लोग वहां से उनको बुलाते हैं। और ये शिक्षा रामायण सिखाती है, भाई भाई का प्रति कैसे प्रेम होनी चाहिए, पुत्र माता के प्रति कैसे प्रेम,
माँ बेटे के प्रति कैसे प्रेम होनी चाहिए। देखो भगवान राम ने पिताजी की आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए उन्होंने वनवास में गए। कितना साल के लिए वनवास गए? ये बच्चों को कोई आने मत दिया, अगर बच्चे यहाँ पर बात करते रहे तुम लोग बाहर बैठो, प्रसाद का समय में आना, ये बच्चे को से बाहर निकाल दो, नहीं तो बात करेंगे बच्चे। प्रसाद का समय में आना बच्चे लोग। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल देखो, इसलिए भगवान राम ने केवल पिताजी की आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए। फिर कौन सा माता? अपनी माता नहीं, सौतनी माता, ये कई कई की। अगर आप बोलो अपना बेटे को, वो तो 14 साल के लिए गए थे, बोले भैया 14 दिन के लिए तुम चले जाए, जाएगा अपना मर्जी से 14 दिन के लिए तो घूमने जा सकता है, लेकिन वो 14 घंटा भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, 14 घंटा भी बात नहीं सुनेगा। इसलिए इंडोनेशिया में हमारे देश के संतों को बुलाते नहीं, बोले भैया हमको रामायण सुनाओ, क्योंकि रामायण सुनकर के हमारी घर की बेटी बहू सती बने और अपना इज्जत को रक्षा करते हुए भगवान की भक्ति करें। इसलिए कि जो रामायण, मैं बोल देता हूँ, इसलिए जो रामायण है ना, अद्भुत ग्रंथ श्री रामायण, हरे कृष्ण थोड़ी थोड़ी से आगे आ जाए। हमारे माताएं ना, एक एक माताएं दो दो माताओं पर जगह लेकर बैठे और उधर सामने आ जा, और उधर सामने आ जा, और उधर और उधर आ जा, देख ली यहाँ पर खाली जगह पड़ा हुआ है, पर थोड़ी आगे आ जा, थोड़ी थोड़ी आगे आ जा। हाँ जो उधर है इस तरफ पे खाली पड़ा हुआ जगह है, इस तरफ में आ जा। सुन बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ इसलिए देखो सवेरे उठ करके सबको पिता माता की चरणा छूनी चाहिए, ठीक है ना। देखो कथा सुन करके जाओगे, कम से कम कथा से तो कुछ लेकर के जाओ, क्या करोगे सवेरे उठ करके क्या करना? पिता माता की चरण छूना। मैं पहले बता रहा था ना, देखो अगर बहुएं अगर अपना सास की चरण छूती घर में, अपना ससुर को चरण छूते, बहुत लाभ बताया था ना, क्या लाभ है। मानो एक व्यक्ति का दो नहीं तो 3 बेटे, लेकिन एक बहू सास की बड़ी सेवा करती है, सास की बड़ी सेवा करती है, और जितने घर की अलग अलग सोना चांदी किसको पास में, सास को पास में। लेकिन जब तीनों बेटे में जो बंटवारा होगी, जो बहू सास की ज्यादा सेवा करेगी, बताओ सास क्या करेगी, क्या करेगी बताओ, वो मुआसना छुपा करके सोने चांदी जो बहू सेवा करेगी उसको छुपा करके दे देगी, बोले बेटी इसको तो अपना पास करना, छुपा करके बोलना नहीं, इसको छुपा कर रखते, और जो जितना वस्तु होगा ना वो बंटवारा होगी, है ना। इसलिए बड़े बूढ़ों को सेवा करने का बहुत लाभ है। अगर पिता माता के हृदय से अगर आशीर्वाद निकलता है ना, इतना बड़ा महत्व है। कहते ब्रह्मा जी का जो ललाट में जो लिखा हुआ वो भी बदल जाती है पिता माता के हृदय से अगर आशीर्वाद निकले, इतने महत्व पिता माता की सेवा करने की, ठीक है ना। इसलिए पिता माता को ओल्ड हाउस में नहीं भेजनी चाहिए, ठीक है ना, ओल्ड हाउस में, पिता माता को ओल्ड हाउस में नहीं भेजनी चाहिए। जितना दूर हो सके पिता माता की अपना घर में सेवा करो और उनका आशीर्वाद को ग्रहण करो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण की, कृष्ण ये बात को कह रहे हैं, बोले देखो ये पिता माता ऐसे एक व्यक्ति है, भले ही बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन ये मेरे लाला है, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, इनकी इतने हृदय में बच्चों का प्रति ममता। बोले तीसरे तरह का व्यक्ति करे नहीं करे तभी नहीं, बोले वो 4 तरह के होते हैं, आत्मा राम, आप्त काम, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण लगता है तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ है, क्योंकि तुमने बंसरी बजा करके हमें बुलाया और घोर अंधकार रहा और हमें बुला करके और तुमने निमंत्रण दिया हमें, और जब आए गए तो तुम घर में वापस चली जाओ, हैं वापस चली जाओ, और हमें को बीच रात में छोड़कर तुमने कहीं चला गया। लगता है भैया तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ है, अकृतज्ञ मतलब होता है किया हुआ भलाई को जो भूल जाए। कृष्ण ने कहा नहीं गोपियां, मेरे को ऐसे मत समझो, प्रेम की दो पहेली है, एक मिलन है और एक विरह है। मिलन में क्या होता है,
वो सामने सामने मिलते हैं लेकिन हृदय से खोते हैं। लेकिन विरह में क्या होता है, ऊपर में तो खोते हैं लेकिन अंदर से मिलते हैं। जैसे पति दूर देश में 5 साल में 6 साल में 10 साल में कहीं आता है, देखना पत्नी दिन रात याद करती रहे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अभी तक नहीं आए, अभी तक कोई खबर नहीं। अगर घर में रहते हैं पहले तो लगेगा चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर तो सूर्यमुखी, फिर लड़ाई झगड़ा। अगर पति बोलेगा गिलास पानी उठाकर दे दो, बोले उठाकर पी लो ना, पीने की बात है। लेकिन देखना बड़े दिनों में आए ना, बड़ी सेवा होगी, पत्नी की बड़ी सेवा होगी। इसलिए कहते दूर में रहने पर क्या चाहे वो मन के द्वारा चिंतन से समझते तो पूरा उसमें डूब जाते हैं। सामने रहने पर क्या होता है, 2 दिन अनादर करे अपने मन को। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो मैंने कहीं दूर में थोड़ी गया था, मैं दूर में नहीं गया था, तुम्हारे पास में था और मैं देख रहा था तुम लोग मेरे विरह में कितने व्यथित होते हो। मेरी विरह में तुम्हारे हृदय में जो दीपक प्रेम कैसे प्रकाश होता होता है, ये दुनिया को मैं तुम्हारे प्रेम को दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा था, तुमको कहीं नहीं छोड़ा। फिर गोपियां खुश हो गई, कृष्ण खुश हो गए, फिर उन्होंने महाराज रचाए, सारे देवता आकर के वाद्य बजा रहे थे, श्री भोले बाबा गोपी बन करके, शंकर भी गोपी बन करके प्रभु को रास दर्शन करने के लिए आए। बोले श्री गोपेश्वर महादेव। इतने कृष्ण ने कहा भैया रास में आनंद नहीं आ रही। गोपियों ने ढूंढते ढूंढते देखा ईशान कोण में कोई एक नई गोपी बैठी हुई। बोले भैया तेरे खसम का नाम क्या है, तेरे कौन सा गांव में तेरे जन्म है, तेरे सास का नाम क्या, तेरे ससुर का नाम। वो तो गोपी नहीं गोपता, वो शंकर जी, कोई कुछ बोल नहीं पाए। वो समझ गए भैया यही शंकर जी को पकड़ करके निकाले। इतने में शंकर जी भगवान को पुकारे, जोग माया को पुकारे। इतने में जोग माया भगवान कृष्ण आए। बोले बोले तुम क्या बात है। बोले प्रभु तुमने बंसुरी बजाए, ये बंसी बनी कैलाश में भी पहुंचा, मेरे मन में भी इच्छा हुई तेरे थोड़ा रास दर्शन करो, तेरे साथ में थोड़ा नृत्य करो। बोले शंकर जी ऊपर में तो तुमने गोपी रूप धारण की, लेकिन जो गोपी भाव साधारण वस्तु नहीं, अभी तुम्हारे हृदय में गोपियों की भावना नहीं। गोपी मतलब क्या, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब बिना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण रस को जो पान करती है ये गोपियां। गोपियां कोई स्त्री नहीं, ये श्रुतचरी मुनिचरी बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद के पुराने मंत्र ये कठोर तपस्या करके गोपी रूप में आए, तो शंकर की गोपी बने। हमारे अंदर में जो भावना है ना गंदी भावना है, हमारे जैसे भाव है ना हम भगवान के ऊपर में भी वैसे भाव को आरंभ करते हैं, लेकिन वहां पर कोई जड़ काम नहीं, वहां पर दिव्य प्रेम है, वहां पर कोई काम की कोई नाम कर वहां पर नहीं, वहां पर दिव्य प्रेम है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा के दिव्य मिलन है, जहाँ दिव्य रस है। रस कब प्राप्त होगा, जीव जब भगवत सेवा करेगा। ये रास नहीं, जहाँ पर गोपियां संपूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा की, कृष्ण को प्राप्त की, उनको आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान जी बरास रचाए, सारे देवता नृत्य किए और प्रभु जी आपने एक सुंदर भजन आपको सुनाएंगे हमारे श्री श्याम सुंदर को। बोले श्री बरास बिहारी भगवान की जय, जय श्री राम। अभी राधे राधे बोलने के लिए कहा लेकिन कुछ लोग हाथ उठाए कुछ नहीं कहा। अच्छा कीर्तन भी जब करते हैं तो कोई कोई मैया बोलती है कोई नहीं बोलती है। मैं क्यों नहीं बोलती है ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि पुराने जमाने में जो मैया लोग होती है वो पुराने जमाने की जो माता जी है वो पति का नाम लेती है क्या, नहीं लेती। और आजकल लेती है, हाँ बड़े बड़े शहरों में लेती है। अपने पति को ऐसे बुलाती है जैसे कि आपने मुन्ने को बुला रहे आजकल। तो पुराने जमाने में जो माता जी है वो थोड़ा सा इसको कम कर इको, पुराने जमाने की माता जी है वो नाम नहीं लेती। अब एक जगह हुआ क्या, एक पंडित जी कीर्तन करा रहे, वो क्या है
कि काली अमरदन कंस निकंदन देवी की नंदन तब सरसर ऐसे पंडित जी कीर्तन करा रहे। लेकिन आगे एक माता जी बैठे थे, वो लय बिगड़ रहे थे, ताल बिगड़ रहे थे, सुर भी बिगड़ रहे थे। तो पंडित जी ने खटकरा लगा दी, जाओ पीछे बैठ हो जाए। लय बिगड़ देती हो, सुर बिगड़ देती हो, ताल बिगड़ देती हो, आगे आगे बैठ जाते, पीछे बैठो। जैसे ही खटकरा लगाई पंडित जी ने, तो मैया गुस्सा होकर चली गई घर पे। अब घर पे चली गई तो सोचा कि कथा छूट जाएगी, पंडित जी ने खटकरा लगा दी है, कथा नहीं छूटनी चाहिए। तो घर पे रिहर्सल किया उन्होंने कि कीर्तन कैसे किया जाए, क्योंकि उनका पति का नाम देवकीनंदन था, इसलिए जब ही देवकीनंदन आता है उसी समय ताल बिगड़ जाता है, उस समय लेती नहीं। अब जो है घर पे ये साल कर रही है, कैसे देखिए, उनके घर में दो बेटियां थी, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा। अब हुआ क्या, उसी कीर्तन को या कैसे ये साल कर रहे हैं, पति का नाम ना है कीर्तन भी बन जाए, कैसे देखिए। बोले काली अमर कीर्तन रिहर्सल किया, देखा बिल्कुल ताल नहीं बिगड़ रहा, बिल्कुल पति का नाम भी नहीं आ रहा है। तो आगे क्या किया, सबसे आगे आगे फिर बैठ गए। अब पंडित जी ने देखा फिर वही कीर्तन क्या, कि काली अमर और माता जी क्या गा रहे हैं, काली अमर पति का नाम भी नहीं आया। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है अजामिल बच्चन, क्या कि साक्षात्तम पारिहासम तो हम एवं में बाबा वैकुंठ नाम रहड़े आशीषा अगहरम विदु। इसलिए कैसे भी लो भगवान का नाम हेला में लो, चाहे कैसे भी लो, निंदा में लो, भगवान का नाम किसी प्रकार करना चाहिए, सब कल्याण करता है। इसलिए सभी लोग कीर्तन में नाचेंगे, राज लीला लीला में नाचेंगे, बोलिए राज बिहारी भगवान।
ब्रह्मराज जी का रखा रहते कन्हैया, तो वहां हजारों लाखों करोड़ों गोपियां गई थी। पता नहीं यहाँ दिल्ली में क्या है, एक भी गोपी गई हुई सब घूम गए, मुझे लग रहा है गोपियों की कमी है यहाँ दिल्ली में। कोई नहीं नहीं सब लोग
रुपया दिया जाता, लेकिन जो लोग तो नहीं कर रहे वो लोग अभी इसको नहीं छोड़ा, वो घर पे बैठे हैं मान लो, यहाँ जो नहीं करता वो बैठे छोड़ी अल्लाह के पास हम लोग आदम भाई के ऊपर
सभी बैठ जाते हैं। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। हमारे बीच में हमारे श्री भजसे भजनानंद प्रभु ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में हमारे मंदिर के लिए इंचार्ज है, गुरु जी की प्रिय शिष्य। अभी बहुत सारी जगह पर उड़ीसा में कथा करते हैं, इधर भी कथा करते हैं, और इनका टीवी में भी कथा था, एमबीसी चैनल में इनकी कथा भी आती है। इसलिए ये अभी आपको जैसे हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, नियम है कुछ लो और कुछ दो, बोले ले किया बोले भक्ति लो, बोले दे किया बोले गंदी चीज छोड़ लो, सारी गंदी चीज को छोड़ करके और अच्छे चीज को लो। अभी प्रभु जी 5-6 चीज बताएंगे क्या चीज अपना जीवन में आचरण करनी चाहिए, ए बी सी डी और ई। अभी प्रभु जी इसी विषय पर बताएंगे, ए क्या, बी क्या, सी क्या, डी क्या और ई क्या, ये क्या चीज है, हमें क्या चीज जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। अभी प्रभु जी आप इसी विषय पर बताएंगे। श्री बंसी भजनानंद प्रभु जी गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोला हरे वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिक आचार्य ब्रज महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद श्रील भक्ति सिद्धांत सृष्टक्र प्रभुपाद जय युक्त हो। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महादेव के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं हरि कथा रस पिपासु समवेत सज्जन सबके चरण कमल में सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्यों सौभाग्यवान, इसलिए ये सौभाग्यवान शब्द भी संबोधन के थे नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन आप बड़े सौभाग्यवान। किसलिए सौभाग्यवान बोले, उनके पास इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर की बड़े सम्राट थे, इसलिए ये हस्तिनापुर राज्य उनके पास था, इसलिए बोले नहीं। और तो फिर द्रौपदी जैसा यज्ञसेनी पत्नी उनके पास थी, इसलिए नारद जी ने बोले कि हे राजन आप सौभाग्यवान हो, नहीं। तो फिर क्या भीमसेन
अर्जुन, नकुल, सहदेव इतने बड़े धुरंधर अतिरथी भैयालों को साथ में थे, इसलिए बोले भाग्यवान? बोले नहीं। किसलिए भाग्यवान? बोले भगवान कृष्ण तुम्हारे पास में है, इसलिए तुम भाग्यवान। और दूसरा है, इसके लिए तो भाग्यवान, लेकिन सौभाग्यवान किस लिए? सौभाग्यवान इसलिए कृष्ण रहने के कारण साधु संत वैष्णव लोग तुम्हारे पास आते हैं, और रोज हरि कथा सुनने के लिए तुमको सुजोग मिलता है, इसलिए तुम सौभाग्यवान। सज्जन, हमारे एक महाराज जी थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने बड़ा असुस्थ हो गए। हमारे पूज्य महाराज, एक महाराज जी थे, उन्होंने क्या किया उनके लिए, उन्होंने इंडियन टॉयलेट में बैठ करके जाना मुश्किल हुआ, तो इसलिए उनके लिए एक बड़ी चेयर लाए जहाँ पर बैठ करके वो टॉयलेट जा सके। तो महाराज जी बोले उसको मैं व्यवहार नहीं करूँगा। बोले क्यों महाराज जी? बोले क्योंकि अगर मैं व्यवहार करूँगा कोई वैष्णव उनको साफ करेगा, इसलिए मैं उसको व्यवहार नहीं करूँगा। बोले क्यों महाराज जी, वो तो छोटे करेंगे। बोले नहीं, वैष्णव है। और मैंने घर में हमारे घर में विग्रह था, भगवान थे, सालग्राम थे, ठाकुर जी थे, हम सेवा करते थे, लेकिन हम मठ में आए ने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मठ में आया मैंने वैष्णव की सेवा करने के लिए, वैष्णव से सेवा लेने के लिए नहीं। तो ठाकुर जी तो सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, अपना घर में ठाकुर जी है, लेकिन इधर क्यों आए? इधर आए क्योंकि वैष्णव है। तो ठाकुर जी मिलने से ज्यादा मंगल नहीं होगा हमारे जैसा? दुर्योधन को तो 100 बार मिल गए कृष्ण, कंस को कितना बार नहीं मिले, रावण को राम नहीं मिले क्या? लेकिन उनके द्वारा मंगल हुआ नहीं। मंगल तब होती है जब वैष्णव आते हैं, और वैष्णव जब आते हैं कथा सुनाते तब मंगल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग का मंगल तब होगा जब वैष्णव के मुख से कथा सुनेंगे। वैष्णव संगीत मन आनंदित अनुक्षण, सदा हय कृष्ण पर संग। वैष्णव कवि तो इसलिए नारद ऋषि बोले हे राजन आप सौभाग्यवान हो। लेकिन ये सौभाग्यवान शब्द कोई कुत्ता के लिए बिल्ली के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए। लेकिन विडंबना वही है, हमारे युधिष्ठिर जैसा पत्नी भी नहीं, युधिष्ठिर के जैसा पत्नी द्रौपदी जैसा नहीं, कैसे होगी हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके लिए बड़ा सौभाग्यवान मानते हैं। मेरा पत्नी है इसलिए मैं सौभाग्यवान हूँ। ऐसा रथ भी नहीं, लेकिन थोड़ा अड्डी गाड़ी की कुछ बड़े ज्यादा से ज्यादा कुछ गाड़ी होगा उसके लिए हम अपने को सौभाग्यवान मानते हैं। 2-4 बंगला होगा उसके लिए हम अपने को सौभाग्यवान मानते हैं। लेकिन सज्जन ये कुछ नहीं होगा, जितने सारी धन संपत्ति है जो कुछ है उसके द्वारा पैसा दे करके आप बेड खरीद कर सकते हैं, नींद हो सकता है, नींद खरीद कर सकते हो, पैसा के द्वारा मेडिसिन खरीद कर सकते हो, आरोग्य तलाव कर सकते हो, पैसा अगर है आपके पास तो भोजन खरीद कर सकते हो, लेकिन भूख तो नहीं। इसलिए पैसा होने से कोई भाग्यवान नहीं बनता, उल्टा भाग्यवान तब बनते हैं जब भगवान की कथा सुनने के लिए वैष्णव के मुख से सुजोग मिल जाता है। तो मनुष्य भाग्यवान है, लेकिन क्यों, कब भाग्यवान बनेगा? कहते तब भाग्यवान बनेगा, सौभाग्यवान बनेगा। बनने के लिए मनुष्य का जिसके लिए मिला अगर वो काम करे तो भाग्यवान बन जाएगा। विशेष करके मनुष्य जन्म मतलब मनुष्य का शरीर। भाई गाड़ी खरीद करके लाया और उसको कहाँ चलाया नहीं, जहाँ जाते हैं जा नहीं पाया, गाड़ी के लिए गाड़ी का सार्थकता हुआ? जमीन खरीद कर लिया लेकिन बिल्डिंग बना नहीं पाया, DDA से परमिशन पास नहीं हुआ, अब इसको कोई भाग्यवान मानेगा? जमीन का कोई कीमत रहा? वैल्यूलेस ही हो गया। अगर मनुष्य जन्म मिला लेकिन मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला अगर वो काम तुमने नहीं किया तो जीवन तुम्हारा सफल नहीं बनेगा, विफल बन गया। भगवान तो इसलिए मनुष्य शरीर उसको 2 विशेषण दिया गया, एक है उत्तम और एक है अधम। पंच रचित यह अधम शरीर, खिचित पाव का गगन समीरा,
ये मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश में बना हुआ शरीर अधम है क्योंकि सड़ जाता है। अभी अगर जीवा को वहां से छोड़ के चला जाए कितना बड़ी हाई एरिस्टोक्रेट फैमिली का शरीर हो तो भी सड़ जाएगा, लेना पड़ेगा स्मशान घाट में जलाओ, नहीं तो कीड़ा चढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए अधम शरीर है, लेकिन अधम होने पर भी और जगह जगह उसको बताया गया उत्तम शरीर, बड़े दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ कहा गया? क्योंकि ये शरीर के द्वारा भगवत भक्ति करके भगवान की नाम लेकर के जैसा गोलोक वृंदावन में जा सकते और दूसरा शरीर के द्वारा संभव ही नहीं है, उनके कारण ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा, देवता लोग भी मनुष्य शरीर प्राप्त प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान कभी प्रसन्न हो जाते बोलते बेटा क्या चाहते हो, देवता लोग सरस्वती बृहस्पति भी प्रार्थना करते हैं, अगर सुविधा हो जाए प्रभु हमको तो मनुष्य शरीर दे दीजिए। लेकिन मानुष्यत्व मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन कैसे होगा, क्या कारण है उसके पीछे, क्योंकि शरीर तो सचमुच अधम है और भगवान देते हैं एक टाइम के लिए, हर समय नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया दुर्लभ शरीर पूरा लंबा रहेंगे, कोई पलक का भी वर्षा नहीं है, क्या करे लेकर के। हाँ मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान ने दिया, जिसके लिए किसके लिए दिए, अगर हम लोग कुछ काम करते हैं जॉब करते हैं कुछ काम करते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है, लेकिन मनुष्य शरीर को भगवान जीवात्मा को मनुष्य शरीर देने का पीछे क्या कारण है, बड़ी रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। हाँ कारण है, जरूर होगा, क्या कारण है, यह चेतसकद बोधम प्राग शरीरस्य विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर मनुष्य शरीर को सही सही उपयोग करके भगवत भक्ति नहीं किया, भगवान की गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं किया, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर पाया, तो समझ लो भगवान के दिया हुआ कृपा को अपनी पैर में खुद ही कुचल डाले। इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया बड़े भाग्य की बात है। यह तनु विष की बेलड़ी हरी अमृत की खान, शीश दिए तो हरी मिले तो भी सस्ता जा। विष का बेलड़ी है, कुछ नहीं अंदर, लेकिन वो शरीर के द्वारा हमारे, लेकिन शरीर प्राप्त करने के बाद शरीर के द्वारा क्या काम करना उसको भूल जाते, लेकिन शरीर में अटैचमेंट हो जाते, शरीर के द्वारा क्या काम उठाना उसको भूल जाते हैं और उसको जीते हैं। कैसा खाना है, ठीक से सोना है ठीक टाइम पर, क्या करोगे, ठीक टाइम पर खा लिया ठीक टाइम पर सो गया और अच्छी कपड़ा पहन लिया, दो चार संतान को बड़ा किया, नौकरी दे दिया, पार के घूम के आ गया, कपाल भाती भर्सी का बड़ा सुंदर एक्सरसाइज भी कर लिया, लेकिन हुआ क्या, मरना तो पड़ेगा ना। उल्टा तो भगवान वही बोलते हैं, जन्म लेने के समय शरीर के साथ जन्म देते और मरने के समय बोलते बेटा शरीर रख कर क्या हो, जितना अच्छा शरीर हो किसको बोलते, ठीक है बेटा ध्रुव जी को जैसा बोले शरीर लेकर के आओ, किसको बोलते, आप लोग कोई गए जाएंगे, ऐसा कोई जाने वाला है क्या, कोई नहीं जा सकते शरीर के साथ, भगवान बोलते शरीर रख करके आओ। क्यों, एक बार अगर भगवान बोल देंगे ना बेटा ठीक है शरीर लेकर के आ जाओ हमारे पास, आदमी इतना चतुर मनुष्य एक रुपया इधर नहीं छोड़ेगा, पूरा जमीन बेच करके, बिल्डिंग बेच करके, फ्लैट बेच करके, गाड़ी बेच करके, सारी पैसा को पूरा सोने का गोल्ड टैबलेट बनाएगा, ऑपरेशन करके शरीर के साथ लेकर भाग जाएगा। भगवान बोले बेटा क्या लेकर के आया, शरीर दिया था, भगवान देखिए ना सब कुछ लेकर आ गया जो कमाए गया। इसलिए भगवान जानते है तुम बेटा ये करोगे बदमाश तुम हो, शरीर रख कर जो तुमने कमाई किया केवल उसको लेकर गया हो, क्या कमाई किया, भगवान की भजन। इसलिए जीवन सफल बनाने के लिए केवल खा पी करके सोने से, और अच्छा एक व्यक्ति हमको पूछा एक बार, बोले प्रभु जी
हमने नौकरी करता हूँ, जॉब में जाता हूँ, 50-60 हजार मिल जाता है, किसके वो परेशानी नहीं किया जीवन में, किसका अन्याय नहीं किया जीवन में, किस प्रकार की असुविधा परेशान नहीं किया किसको, और अपना बेटा बेटी को पढ़ाया बड़ा किया, मैं भी अपना घर में फ्लैट लिया, वहां पर रहता हूँ, खा पी करके सुबह पार्क जाता हूँ, आ गया फिर जूस पी करके आ गया, घर में बैठ गया, न्यूज़पेपर देखा, टीवी देखा, जब मैं चला गया शाम को 4 बजे आया, मार्केटिंग करके आया, अपना घर में खा पी करके टीवी देख के सो गया, फिर सुबह हुआ, मेरा जीवन पूरा ऐसे स्मूथली चलता है। मैं मरने के बाद मेरा गति क्या होगा? मैंने बोला डायरेक्ट एंड रियल रोड टू हेल। मैंने बोला तुम्हारे सीधा नरक को रास्ता है। वो तो हैरान हो गए, महाराज जी, प्रभु जी, मैंने किसको परेशानी नहीं किया? अरे भाई, तुमको परेशानी करने के लिए थोड़ी दिया था शरीर, शरीर आया था उसको यूटिलाइज करके भगवान की भजन करने के लिए, जिन्होंने इतना दिमाग लगा के भगवान कितना मजबूत बनाए शरीर को, आदमी तो एक हार्ट लगाता है ऑपरेशन करने के लिए तो कभी चैलेंज दे सकता है कि इतना दिन चलेगा हार्ट ऑपरेशन के बाद, भगवान एक बार देते हैं 80 साल तक चलता है, 2 किडनी दे दी 1 दिन में चलता है, 2 कान दे दी, 2 आंख दे दी, कितना सिस्टमेटिक कमाई करके लाए सब भगवान ने दिया तुमको, क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। लेकिन विडंबना वही है, आंख में देखते लेकिन भगवान को नहीं, कान में सुनते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते, उनके कारण भगवान कहते बेटा मरने के बाद तुमको पूरा पूरा नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर दिया गया भजन करने, तुम भजन नहीं किया, खाया पिया सोया रह गया, वो तो पेड़ तुमसे ज्यादा दिन जिंदा रहता है, एक जगह खड़े होकर उल्टा दूसरे को छाया देता है, फल देता है, तुम तो फल खाकर मर बनाते हो और तुम फिर इसी शरीर को लेकर बड़ा क्रेडिट करते हो, बड़ा गर्व अनुभव करते हो, मुझे मेरा गति क्या होगा? नरक होगा और कुछ नहीं होगा, और क्या करूं? हाँ, मैंने बोला ठीक है, करना है ज्यादा चीज नहीं, 4 चीज करने से हो जाएगा, आप लोग करोगे कोई सफल बनाना चाहते हो तो 4 चीज करना पड़ेगा। आजकल देने के लिए परेशानी है भाई, लेने के लिए क्या सुविधा है, मना करते हो 4 चीज ले नहीं पाओगे, लेंगे ना, आदमी देने के लिए परेशानी हो जाता है, प्रभु जी देने के लिए मत बोलो, लोगे तो हमारे गांव में भी दुकानदार था, आदमी पड़ोसी था, उनको जाके बोलोगे ए तुम्हारे पापा है, बोले क्यों क्या हुआ, ना पैसा कुछ लेना था उनसे, वो बोलेगे नहीं चला गया, और जब वो पूछेंगे फिर कोई आया ए तुम्हारे पापा है क्यों क्या हो गया, ना हमको कुछ पैसा देना था, हाँ है बुलाता हूँ, तो आदमी देने के लिए मरता है, वो देने मरने के लिए कोई नहीं इच्छा करता, लेने के लिए क्या असुविधा है भाई, लोग है ना, लोग है बोलो तो, हाँ जी, लेकिन कड़वा चीज नहीं देंगे भाई, कभी हाँ भर दिया और हम कड़वा चीज दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं कड़वा चीज नहीं, हमारे गुरुदेव देते हैं 4 चीज, तो उसके द्वारा अगर लोगे जीवन दीर्घ नहीं बन सकता लेकिन दिव्य बन सकता है, जीवन लंग लाइफ नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है, लेकिन डिवाइन बन सकता है, ट्रांसजेंडर बन सकता है, इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए 4 चीज लेना पड़ेगा, लेना मतलब कि 50 किलो वजन की नहीं कि ढोके लेना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, कान में सुन लो और जीवन में उतार लो, बस हो गया, लेना हो जाएगा 4 चीजें, बड़ी सहज सगम सुगम है, 4 चीज क्या है महाराज बोले ना, ए बी सी डी, ये 4 चीज के द्वारा समझना पड़ेगा, कैसा? ए मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या है, संग, हमको संग में हरि कथा साधु संग में रहना चाहिए, संतन के संग लाग रे बड़ी अच्छी बनेगी, साधु की संग में रहना है। महाराज जी अभी हम तो 7 दिन साधु संग में आए तो दरवाजे के बाहर जब निकलेंगे 4 हाथ हो जाएगा क्या हमारा, किसका होगा यहाँ से जब निकलेंगे समय, 4 हाथ होके कोई निकलेगा क्या, और तो फिर केस बढ़ जाएगा, और जो कपड़ा है चेंज हो जाएगा, जैसा 2000 रुपये के कपड़ा पहन कर गए बाहर जब निकला तो साधु संग में आया था 4000 की हो गया, ऐसा कोई होगा किसका,
लाभ क्या है सत संग आने से? हाँ एक लाभ है, कागज तो है हम सब नावे कौआ को साधु संग में कोयल बना देती है, बगुला हंस बन जाती है, लकड़ी चंदन बन जाता है, वही तो है साधु संग का लाभ। साधु संग में अगर कोई आए लकड़ी देखने के लिए लकड़ी जैसा ही रहेगा लेकिन अंदर सुगंध आ जाएगा बन जाएगा चंदन। कौवा देखने के लिए काला ही रहेगा लेकिन स्वर बदल जाएगा कोयल बन जाएगा, हंस बगुला हंस बन जाएगा। मतलब क्या है, अगर साधु संग में आ गए साधु संग किया हरि कथा में बैठ करके साधु संग में बैठ करके कथा श्रवण किया साधु संग किया जीवन में ये शरीर देखने के लिए तो बदलेगा नहीं लेकिन अपना मन में जो विचार है वो बदल जाएगा, इसलिए साधु संघ की बड़ा लाभ है। और साधु संघ में रहने के लिए अब बोलेंगे प्रभु जी ये तो हम लोग तो शास्त्री है महाराज जाए इधर आएंगे उसके बाद करेंगे क्या, करना क्या है ज्यादा दूर नहीं है अपना मठ है जनकपुरी में। कहाँ है जनकपुरी में पास में, जनकपुरी ये नहीं ये जनकपुरी पार कर ये वाला नहीं, जनकपुरी है जनकपुरी में भीतरी में हमारे राधा रमन बिहारी गौड़ीय मठ में आप लोग को स्वागत है। हर संडे प्रोग्राम शाम को ही प्रोग्राम रोज होती है आ सकते हैं। अब बोलोगे प्रभु जी हम तो इतना दूर जाना मुश्किल है, अगर दूर जाना मुश्किल है आपका हरिनगर है हमारे कौरे के साधु संग देने के लिए कुछ व्यवस्था बनाए, क्या व्यवस्था बनाए, आप अगर अपना घर में साधु संग करना चाहते हो हमारे यहाँ पर पालकी यात्रा निकलती है हमारे भक्त लोग वैष्णव लोग और पालकी में ठाकुर जी को लेकर के आपका घर में जाएंगे। बोलेंगे प्रभु जी तो हम लोग बड़ा बिजी लाइफ है साधु संग कर ले टाइम का कोई असुविधा नहीं, हम हर संडे ही जाएंगे, दूसरा दिन परेशान नहीं करेंगे आपको, संडे पर ही जाएंगे। आज जैसा हम लोग गए थे, आप लोग कोई जाना चाहते हो अपना घर में साधु संग को बुलाना चाहते हो घर में बैठ कथा कीर्तन करना चाहते हो तो हमारे नवीन प्रभु के साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए, खड़े हो जाओ है ना, तो लिफलेट रखा है हाँ उनको देख लो उनसे आप नंबर ले लेना, तो कोई पड़ी तो कोई अगर ये भी उसकी पत्नी भी खड़ी है ना, कहाँ है खड़ी हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ कहाँ गई उसको खड़ी कर दो कहाँ है, हाँ देखो जिसको देखो ये खड़ी रहो तुम खड़े हो जाओ, हाँ देखो आप लोग ये दोनों में तरफ देखो ये मडल बनाया करता था, क्या 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 करता मडलिंग करता था, वो जो लड़की खड़ी हुई है ये फिजियोथेरेपी का ये डॉक्टर है, देखो इसके गले में तुलसी करके देखो देखो ये तिलक लगाए देखो अब दिख रहे हैं सबके सब कितने अच्छी देखने में, और इसको भी देखो ये मडलिंग करता था लेकिन ये देखो गल ललाट में तिलक है गले में कंठी इसका हाथ माला दिखा देखो ये हरिनाम करता है। इसलिए बंसे में अगर एक बेटा अगर प्रभु का भजन करे कि भगवान कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, जो पूर्वज लोग पहले चले गए वो नाचना शुरू कर देते हैं, जिस माता ने ये बच्चों को जन्म दिया वो माता की गर्भधारण सार्थकता हो जाती है, कभी जिस पृथ्वी को ऊपर बच्चे जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी धन्य हो जाती है। बंसे में अगर एक बेटा प्रभु की भजन बन जाए इतने लाभ ही कृष्ण स्वयं नरसिंह भगवान स्वयं कहते हैं एक वंश में एक बच्चा अगर सुधर गए, लेकिन बच्चा नहीं सुधरे तो मदिरा खाना पीना शुरू कर दिया मांस खाना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं जैसे पुण्य करने से जैसे भजन करने से पुण्य होता है अगर वो पाप कर्म करेगा ना उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था ना कोई एक ज्योति स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, देखा वो व्यक्ति जो स्वर्ग में गया था सोने के सिंहासन में वो बैठा हुआ उनको सब सेवा कर चामर व्यंजन कर रहे थे अप्सरिया, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ करके रो रहा था। तो वो जोगी ने पूछा भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया पर यहाँ रो रहे क्यों, बोले मेरे से गलती हो गई, बोले क्या है, बोले बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था वो बच्चा उसी पैसा से शराब पी रहे हैं उसी से मांस खा रहे उससे जुआ खेल रहे हैं, चूंकि वो पैसा को मैंने छोड़ करके आया था
उसको गलत काम पर लगा रहे हैं, मेरे को स्वर्ग में भी उसका पाप मेरे को नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी मेरे को दुख लेना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा माला जप कर, बोले नहीं बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जानी चाहिए ना, शास्त्र कहता है बच्चे के लिए पैसा मत कमाओ। बोले क्यों, अगर पैसा कमाओगे हैं, अगर पैसा कमाओगे क्या होगा, बच्चे अगर गलत मार्ग में गया ना, वो तो गया सब कुछ डुबा करके जाएगा। अगर तुमने, हमारे गुरु जी कहते थे उसके लिए भक्ति की धन कमा करके जाओ, उसके लिए प्रभु की भजन के मार्ग दिखा करके जाओ, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा बनेगा वो कमा ही लेगा, वो कमा ही लेगा। अगर वो बुरा बनेगा ना, जितने पैसे हम कमा कर जाएंगे, अक्सर करके देखना उसका बच्चा उतना बिगड़ता है जितने पिता माता उसको पैसा दे कर जाता है, वही शराबी करासी चुड़ी चमेरी सब वही बनता है। इसलिए धन कमाना तो कृष्ण भक्ति धन कमाओ, जिसको मीरा कहती है पायो जी मैंने, जो धन तुम्हारे साथ में जाएगा इसी जीवन में भी रहेगा, उसी जीवन में तो रहेगा ही। इसलिए मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन को कमाओ जो कि इसी जीवन में रहेगा, अगले जीवन में रहेगा है। लेकिन अगर किसको भागवत कथा को बुलाओ ना, बोले सारे काम जब निपट जाएंगे ना संसार का तब आएंगे, बोले भैया तुम खुद निपट जाओगे संसार का काम नहीं निपटेगा। जब भागवत कथा कब लोग आते हैं परिवार के, जब शेष दिन लास्ट का दिन में थोड़ा आएंगे, लेकिन सिनेमा जाने वो गद्दी के गद्दी पहले आधा घंटा पहले हुआ जाएंगे, शादी का बात हो पहले तैयार रहेंगे कौन सा कपड़ा पहन कर जाएंगे। लेकिन भागवत की कथा हो ना हजार बोलो तभी नहीं आते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती अति हरी कृपा जा कर होई पाप देही असंगत से। पार्वती तभी ये सत्संग मिलती है, शंकर स्वयं कह रहे हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम, किसको कह रहे हैं, जगदम्बा जग जननी माँ को सुना रहे हैं। बोले पार्वती अति हरी कृपा जा कर होई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष डायरेक्ट कृपा हो पार्वती पाप देही असंगत सोई, तभी पार्वती सत्संग की तभी सत्संग में रुचि होती है। इसलिए सत्संग में आओगे तभी तो बदलोगे, कहाँ से बदलोगे। देखो उनको देखा है ना क्या काम नहीं करती है, वो लड़की भी काम करती है, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है, ये भी अपना काम करती है, केमिस्ट्री चलाता है, अपना काम करते सब कुछ, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन करते हैं। इसलिए भजन कोई कठिन चीज नहीं, बहुत सरल है, लेकिन जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे ना, ये चीज लाख चेष्टा कर हो ही नहीं सकता, लाख चेष्टा कर हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पर माला लेकर बैठे वो भी आकर के साथ साथ दिन कथा सुनते अपना काम करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अपना बच्चों को देख लो इसी उम्र में क्या करते होंगे। आप लोग स्वयं सोच लो, किसी शराब दुकान पर बैठे होंगे, किसी लड़कीबाजी करते होंगे, उल्टा पुल्टा मोबाइल में गंदी गंदी चीज में नहीं बैठे हुए होंगे, क्यों सत्संग नहीं करते। सत्संग इतने महत्व है, इसलिए बोले संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनी की तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनी की तेरी किस्मत बनेगी। इसलिए संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, हमारी मठ मठ है जनकपुरी में, B3 में जनकपुरी मठ है, इसलिए वहां पर ये जो बच्चा है ना ये पालकी ले जाता है ठाकुर जी को, इसी उम्र में देखो वो मेडलिंग करता था, इसलिए उम्र में वो पालकी लेकर जाते हैं ठाकुर जी को, घर घर में जाते हैं, उनको पत्नी भी जाती है, वो भी अपना काम करती, घर घर में जाती है, सत्संग समझाते हैं, बच्चों को अच्छे मार्ग दिखाते हैं, पिता माता की सेवा करो, पिता माता की आदेश पालन करो, पिता माता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हम जहाँ जहाँ दुनिया में जाते हैं हर व्यक्ति का तो बच्चे बात नहीं सुनते, अब पता नहीं घर में जब बहू आ गई पता नहीं बेटा का क्या हो गया, एक रात में एक मंत्र में पूरा पलट गया, हमारी जिंदगी भर हमारे मंत्र में काम नहीं थी। इसीलिए लेकिन जब संत का संग करोगे ना, अगर जो भगवान की भक्ति में आएगा 100% वो पिता माता की पहले सेवा करेगा, क्यों वो सोचेगा पिता माता के ऋणी, वो हमें जन्म दिया, हमें लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, पहला सेवा पिता माता की पहले सेवा, संस्कार देगा कौन हमें, संस्कार सत्संग ही देगा, साधु संग देगा, और कोई देने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए हरिनाम करो भजन करो, इसलिए ए और प्रभु बोलेंगे बी और सी और डी। इसलिए एक के लिए आश्वेषण करना है, संग करना है, संग जैसा होगा, कोई अगर किसका संग करता है
तो बोलना जरूरत नहीं पड़ता, उनका रंग अपने आप चढ़ जाता है। कोई शराब के साथ कोई अगर अच्छा आदमी रह जाए तो देखना कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद अपने आप वो शराबी बन जाएगा। उनको प्रेरित करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। साधु संघ का ये बड़ा लाभ है इसलिए कि कोई अगर एक बार संघ में रह जाए वो रंग उतरेगा ही नहीं। इसलिए जरूर आप लोग संघ में रहना। ए, सफल बनाने के लिए। बी, बी में बुक्स। रोज हम लोग आजकल और न्यूज बुक्स तो जो धार्मिक ग्रंथ है गीता भागवत आजकल उसमें दिमाग खा रहे हैं सब, हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन सुबह हुए तो न्यूज़पेपर पढ़ते जरूर। कचरा दुनिया भर की कचरा को देखने के लिए सुबह होते ही चाय कप के साथ जरूर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कितना पैसे यूटिलाइज करते उसमें, यूटिलाइज तो नहीं वेस्ट करते, कितना 60-150 रुपया होगा शायद, 5 रुपया तो पर डे 150 रुपया के। लेकिन भगवत गीता हमारे रमन बिहारी गौड़िया मठ में मिलता है, कोई लोग लेते हैं, हमारे निवेदन है अगर लिए नहीं जिनको गिफ्ट करते हो ये ग्रंथ तो गिफ्ट करो। जिनको देते हैं हमारे ग्रंथ क्रिश्चियन लोग हम देखते हैं फ्री में आके घर में पहुंच जाता है और हमारे धर्म ग्रंथ को हम लोग खुद नहीं पढ़ते। देने तो दूर कर दे लेकिन खुद पढ़े और दूसरे को दे, ये गीता भागवत बड़ी मंगल करेगा। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। एक समय अमेरिका में ये सही घटना है, एक व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में वो बोला आज रात में सुइसाइड करूंगा। बोले सुइसाइड के लिए वो व्यक्ति सही घटना सुना रहा, सुइसाइड के लिए बैठा। एक समय देखना गीता जयंती, जब इस्कॉन नाम सुनो ना इस्कॉन, वो गीता जयंती में लोग गीता बेचते हैं। एक समय अमेरिका में इस्कॉन के भक्त लोग वो गीता बेच रहे थे। वो व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, वो 8-10 व्यक्ति लाइन से खड़े हुए थे गीता देने के लिए, अमेरिका में घटना। तो बोले भैया गीता वह गीता और थोड़ी दूर वह देखा 8-10 व्यक्ति खड़े हुए, सोचा भैया कितने बार फेंकू। उन्होंने $4-5 देकर के गीता खरीदी कर लिया। बोले कितना बोलो, 5-5, 4-5 उसे ले लिया, ड्रम में रख दिया। बोले बेकार चीज है, अभी इतने डिप्रेशन में आ गया, अभी वो सुइसाइड करने जा रहा। अभी जिस ड्रम में वो बंदूक रखा हुआ उसमें गीता था, अभी उसने ड्रम को खोला, बंदूक लेकर के सुइसाइड कर लिया। लेकिन बाई चांस उसको हाथ में गीता आ गई, वो तो मरने जा रहा, वो गीता को खोला। जो गीता खोला कृष्ण अर्जुन को कह रहे, बोले अर्जुन ये जो शरीर है एक वस्त्र है, जैसे एक वस्त्र पुराण होने पर हम उसको त्याग दे करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जो पुरानी हो जाती है इसको छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। लेकिन ये जो आत्मा है ये अजो नित्य शाश्वत है, ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये आत्मा कभी मरती नहीं। उन्होंने ये देखा, भैया ये क्या बोल रहे हैं, एक नया चीज इसे मिला उसको। कहते हे अर्जुन, अगर जीव शांति पाना चाहते हैं, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएंगे तब तक कभी शांति नहीं पा सकते। बोले दुनिया में क्यों शांति नहीं पा सकते, बोले कारण है कि जगत में हर वस्तु नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाले वस्तु, जो संसार में नष्ट होने वाले वस्तु अर्जुन, वो कभी हमें शाश्वत शांति नहीं दे सकता है। जो नित्य शाश्वत है वही केवल शाश्वत शांति दे सकता है। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, आप भी समझो, जैसे कि पिंजरा है उसका अंदर में एक तोता है, अगर हमने तोता को भोजन नहीं दे केवल पिंजरा को कलर करते रहे, बताओ तोता जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। उसी तरह ये शरीर एक पिंजरा है लेकिन इसके अंदर में कौन बैठा हुआ, तोता आत्मा बैठा हुआ। हम क्या करते हैं, ये शरीर को ही खिलाते हैं पिलाते हैं, ब्यूटी पार्लर लेकर सजाते हैं, हैं, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है ना वो तोते के प्रति हमारे कोई ध्यान नहीं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम्, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो मर सुइसाइड करने जा रहा था, वो बंदूक पकड़ने जा रहा था, अभी वो सुइसाइड क्या करेगा, रात भर उसने गीता पढ़ी, रात भर उसने कृष्ण के से आत्मा परमात्मा की जो ज्ञान, रात भर उसने पढ़ी, सुइसाइड करना छोड़ दिया।
उसका एड्रेस से देखा भैया गीता आया कहाँ से, वो इसको नहीं सकता, अमेरिका में एक ब्रांच थी, उसने ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में पहुंचाया। पहुंच करके देखा हमारे जैसे संत लोग, फिर उनने प्रश्न किया हम ये संसार में सुख ढूंढते हैं, ये सुख हमें क्यों नहीं मिलता है। तो उन लोगों ने समझाया देख बेटा इसका नाम संसार है। संसार मतलब क्या, सम्यक रूप में सरती, हर समय जो हमसे अलग हो रहा है, पहले बच्चे थे बड़े हुए बूढ़े हुए, बस राम नाम सत्य हो जाएगा, दुनिया सब गए, इसलिए संसार नश्वर है। ये नश्वर कभी जीव को परम शांति नहीं दे सकता है। भगवान सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, जब तक जीव उसकी शरण में नहीं जाएगी सुख नहीं मिलेगा। रावण जैसे व्यक्ति, सोने की लंका, मंदोदर जैसे पत्नी, मेघनाथ जैसे बेटा, लेकिन चैन से नहीं, बेचैन से रहता था, लेकिन वहां पर केवल श्री विभीषण चैन में रह रहा था, क्यों, प्रभु राम की शरण में गए। उसको ऐसे समझाया ना, उसने संसार त्याग दिया और अभी वो सन्यासी है, उसने सन्यासी ग्रहण किया। अभी संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता को, अमेरिका अभी वो सन्यासी है, संपूर्ण पृथ्वी में गीता धर्म को प्रचार करता है, इतने महत्वपूर्ण हमारी गीता है। लेकिन बच्चों को स्मार्टफोन पकड़वा देंगे 10-20 हजार रुपया का, लेकिन बोलेंगे नहीं बेटा तू एक थोड़ा गीता पढ़ दे, एक माला कर, एक रामायण पढ़, अभी सुना रहे थे ना इंडोनेशिया में मुसलमान लोग हमारे संतों को बुला करके रामायण सुनते हैं, कहते तो उसमें पिता माता की कैसे सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर कैसे लेनी चाहिए, पिता माता की, उसको वो लोग हमारी ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, पहला गुरु पिता माता है ना, पहले गुरु पिता माता। अभी पिता माता जो करेंगे बच्चे तो वही सीखेंगे ना, उसे खड़े हो जाए। देखो ये बच्चे को आप देख लो, अब देख रहे हो सब, घूम जाओ देखो, अब देख रहे हो तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी, गले में माला झूला कर रखे, कारण क्या, इसको जो पिता माता है भला नहीं करते, तभी तो बच्चों के संस्कार डाले। पहला गुरु कौन है, पिता माता। अगर हम एक माला करेंगे, थोड़ा गीता पढ़ेंगे, बच्चे को बोले बेटा तू भी एक माला कर ले, तू भी एक माला कर ले, तू भी गीता, तभी तय करेंगे ना। इसलिए क्या करना है, कथा जब खत्म हो, विश्राम होगी आज, सब एक ने माला लेकर के जाना, ठीक है, अब हम फ्री में माला देंगे, ये माला लेकर के जाना सवेरे, आप स्वयं देख लेना, मानो 10 मिनट एक माला जप करोगे, आप देखना केवल 10 मिनट तुम्हें चैन मिलेगा। माला से मन हटाते ही संसार का कोई वस्तु हमें चैन नहीं दे सकता, चैन देगा क्यों, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी दुखी। आप देखना जितने समय के लिए माला जपोगे उतना समय हमें बेचैन मिलेगा, और दुनिया में हर समय हमें बेचैन से देगा, ठीक है ना। एक एक माला लेकर जाओगे कौन लेगा, मतलब जब कथा विश्राम होगी एक एक माला देंगे, ये माला को लेकर के जाना और ये माला को जब करना, आप स्वयं देखोगे मेरा कहते ना दीन दीन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आएगी, कोई धन काम नहीं आएगी। कल हम लोग चार बहू की बात सुन रहे थे ना, किसको याद है बोल दो हाथ उठाओ, ये चार बहू की कथा किसको याद है, किसको याद है हाथ उठाओ ठीक से, कोई हाथ उठाओ, तेरे को याद है, तेरे को याद है चार पढ़े थे। देखिए आपको मैंने जो चार बहू की कथा सुनाई थी 5 मिनट सुनाएगा। देखो ये जो है ना, ये इसका जीव है, ये इसने ये जीव चलाता है, इसका अपना जीव भी है, ये पहले पहले क्या देखो इसका जीवन ही सुनो, ये कैसे परिवर्तन हुआ बोलो। अज्ञान तिम्रान भाष्य ज्ञान जन शाला क्या चक्षु रूप लितम ये ताशमेश गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोशील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रणाम यापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के अपने शिक्षा गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रणाम यापन करता हूँ, और वैष्णवगण वैष्णव के श्री चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रणाम यापन करता हूँ। सर्वप्रथम मेरा नाम जयनंदा दास जी है, और मुझे गुरुदेव ने ही मुझे अपना भक्ति नाम जयनंदा दास दिया है। मेरा प्रोफेशन मेरा अपना हेल्थ क्लब है, मेरा अपने 3-4 हेल्थ क्लब्स हैं जिसमें मैं कोचिंग करता था और खुद बॉडी बिल्डिंग करता था। मैं दिल्ली चैंपियन 3 बार रहा बॉडी बिल्डिंग में,
मैं मिस्टर दिल्ली चैंपियन, तीन बार, दो बार नॉर्थ इंडिया चैंपियन। तो मेरे जिम्मे ही एक गुरुजी के भक्त कई आते थे, तो वो मुझसे हमेशा कहा करता था कि भैया आप मेरे साथ चलो वृंदावन चलेंगे। मैंने यार चलेंगे वृंदावन वगैरह चलेंगे, किसी दिन चलेंगे, कभी देखेंगे। तो बेचारा वो मुझे हमेशा कहता था। तो कहते कहते उसे दो तीन साल हो गए मुझे। तो मैंने कहा एक दिन क्या हुआ कि जन्माष्टमी संडे के दिन पड़ गई, और संडे के दिन मेरा जिम बंद रहता था, छुट्टी रहती थी। तो उसने क्या किया कि मेरी टिकट बुक करा ली। ना गुरुजी मैंने आपने टिकट बुक करा ली है। अब मैंने कहा यार तूने टिकट बुक करा ली, कह रहे ना मथुरा चलना है, आज जन्माष्टमी भी है और ऐसे ऐसे चलना है। मैंने देखा संडे है, टाइम भी नहीं कटेगा, चलो चल पड़ता हूँ। नहीं तो कहेगा गुरुजी ज़्यादा भाव खा रहे हैं, मेरे साथ जा ही नहीं रहे। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, मैंने टिकट भी करा दी। तो मैंने चलो संडे बीत जाएगा। तो उसने क्या किया कि गुरुजी जी जन्माष्टमी है, आप व्रत रख लेना। अब मैंने कहा पागल है क्या, मैं दिन में 4-10 बार खाने वाला, 9 बजे तक मैं 2-3 बार खा लिया करता था क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करता था, उसमें तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना ही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी व्रत रख लेना आप। चलो मैंने कहा यार व्रत भी रख लेते हैं, व्रत रख लिया। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, वहाँ से बैठा मैं, वो भी आ गया। अच्छा उसने खुद ने व्रत नहीं रखा, मेरा व्रत रखवा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक हृदय में एक दृढ़ संकल्प था, जो चीज़ करनी है तो करनी है। उसने कहा रखना तो मैं रख लिया। अब ट्रेन में बैठे, थोड़ी दूर ही चले हम, आधा पौना घंटा, अब भूख के मारे मेरा सर दर्द होने लग गया, मेरा सर लप लप करने लगा। होगा मैं उससे कह रहा तेरा ये वृंदावन कितनी दूर है यार, कह रहा गुरु जी बस आने वाला है। मैंने कहा यार मेरा तो सर दर्द फट रहा होता है। अच्छा वो थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो हम थोड़ा सीनियर थे, तो मैं बच्चे तो होते ही चंचल, हो इधर भागना, वो ट्रेन में कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, उसका तो टाइम कट रहा, मेरा टाइम नहीं कट रहा और मेरा सर दर्द हो रहा। वो कहा गुरु जी बड़ा आनंद आ रहा है, मैंने तुझे यार मेरा सर फट रहा है। मैंने कहा कहाँ फंस गया मैं इन बच्चों के चक्कर में, गुरु जी करके बड़ी मुश्किल से फिर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे से वहां से मथुरा गए, मथुरा में ही गुरुदेव जन्माष्टमी समारोह बनाया करते थे। तो मथुरा से कहता रेलवे स्टेशन गुरु जी यही पास में पैदल चलेंगे। अब मैं कहा तू तो और मरवाएगा मुझे, मैं आज तक पैदल में घर से बाहर नहीं गया, तू मुझे पैदल चलाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ऐसा है कि तुम सब जाओ, मुझे यहाँ से बता दूसरी ट्रेन कब वापस जाएगी, मैं यहाँ से वापस ही जाऊँगा, मुझे नहीं जाना कहीं किसी मठ में। कहा गुरु जी आप नाराज हो गई है, चलो रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा करके हम पहुंच गए। अब मैंने सोचा चल यार मठ में पहुंचेंगे, वहाँ कमरा मरा होगा, आराम करेंगे, थोड़ा सा शांति मिलेगी, हम आराम से लेटेंगे थोड़ा सा। अब मठ में क्या था, गुरुदेव आए थे जन्माष्टमी उत्सव का, दिल्ली के सारे भक्त, सब मथुरा के भक्त, वृंदावन के भक्त, जो जो दूर दूर के भक्त, सारे भक्त मथुरा मठ में निवास कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, मैंने देखा मठ में तो जगह ही नहीं गई रहने की, उन्होंने तो क्या अपना बैग उठाया, किसी प्रभु के हाथ में रख दिया और खुद चलो गुरु जी गंगा जी नहाने चलते हैं। अब मैंने कहा पागल है क्या, फिर उधर दौड़ा रहा है इधर से उधर, ना खिला रहा पिला रहा, पर नहीं गुरु जी मेले लग रहे हैं। अब जमुना जी भी आ रहे हैं दर्शन करने जा रहे हैं द्वारकाधीश के, जगह जगह भंडारे लग रहे हैं और कितने हुआ है, खुद तो खा रहे हैं वहां पे समोसे पकौड़ी कचौड़ी, वो तो खा रहे हैं, मेरे व्रत रखवा रखा नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा। मैंने कहा यार इनके चक्कर में मैं कहाँ फंस गया। फिर बड़ी चलो ऊपर से धूप पड़ रही, जून जुलाई में महीने का था, जन्माष्टमी उसी टाइम में आती है, धूप पड़ रही। तो किसी ने कहा गुरु जी जमुना स्नान करते हैं, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया, यमुना जी में जाऊंगा, डूब गई रहूंगा, तुमने शांति तो मिलेगी, गर्मी से तो बचाव मिलेगा मुझे। मैंने हाँ चलो 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 भाई जमुना जी नहाएंगे, चलो भाई जमुना जी नहाएंगे। जमुना जी नहाने लगे, अब आधा 10-15 मिनट नहाए, गुरु जी चले बैठे रहे। इतना आनंद आ रहा मुझे जमुना जी में, खूब नहाया। मैंने गुरु जी चलो, गुरु जी चलो, मैं नहीं जा रहा ना, मठ में जगह ना बैठने की ना उठने की, कहाँ परेशान कर दिया तूने मुझे। अब बड़ी मुश्किल से 3-3.5 में टाइम हुआ, तो गुरु जी चलो प्रवचन होने वाले, गुरुदेव आएंगे। मैंने यार चलो वही सारे पीछे पड़े तो चले। फिर मैं मठ में गया, तो गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, तो गुरुजी का प्रवचन मैंने सुना, बड़ा आनंद आया। फिर कहने लगा गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं, मैंने कहा चलो यार गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं, इतनी दूर आए थे। तो मैंने मेरा वो फर्स्ट डे था जहाँ मैंने जब फर्स्ट बार गुरुजी के चरण स्पर्श करे, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और वो देखा, और उस दिन से मेरा पूरा जीवन ही पलट गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो मैं नित्य प्रतिदिन 250 ग्राम मीट मसल्स बढ़ाने के लिए, और नित्य प्रतिदिन 1 ट्रे अंडे डेली खाया करता था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। लेकिन उस गुरुदेव ने जब उस दिन मुझे देखा, तो मेरा उस दिन से ही
लोग कहते कि कैसे छूटेगा, क्या छूटेगा, मैं नहीं जानता क्या शक्ति थी गुरुदेव के उस नीली नीली आंखों में मैंने जब दर्शन करे, तो उस दिन से मेरा जीवन आज से लेके आज तक लहसुन प्याज तक भी मैंने अभी तक चाय कॉफी भी हमारे उसमें निषेध है वो भी उसी दिन से छूट गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव आए नमः। आप सबसे सब निवेदन है, मेरा बेटा जी उसमें रहता है, उसने भागवत कराई तो उसने सब चीज छोड़ दी। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बच्चे है हाँ, एक इधर आ जाओ, रमेश प्रभु जी इधर आ जाओ। देखो हरे कृष्ण, आप लोगों ने 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनी है। यदि ये कथा में हमारे श्री माता जी श्री राधा प्रिया देवी, इनका भक्ति का नाम श्री राधा प्रिया दासी इनका नाम है, और इनके प्रभु जी कहाँ है एक नहीं यहाँ प्रभु जी, आप इधर आ जाओ, जल्दी आओ। देखो ये दोनों पति पत्नियों ने तन मन और धन से इन लोगों ने ये भागवत कथा रखवाया है। आप लोगों ने भागवत कथा सुनी है, हैं? कितने अच्छी कथा सुनी। अब बहुत लोग भी इसमें परिवर्तन हुए, भगवान की भक्ति में बहुत लोग लगे हैं। कहते हैं भागवत कथा जैसे पुण्य ये दुनिया में कुछ भी नहीं, इसलिए श्री व्यास देव जी, व्यास देव जी जब उन्होंने ग्रंथ को लिखे, उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन शांति नहीं, लेकिन जब उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखे पूर्ण शांति उत्पन्न, तभी तो दुनिया में भागवत कथा होती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये भागवत कथा कोई सुने, अगर इतना नहीं हो कोई पढ़े, अगर इतना नहीं हो, अगर कथा कहीं हो रही है, अगर इतने कोई बात बोल दे भैया भागवत कथा होनी चाहिए, इतना अगर कोई बोल दे, कहते वो जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े पापी देवद्रोह और विश्वद्रोह क्यों नहीं हो, वो सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाता है। इतने महिमा भागवत की ग्रंथ की, इसलिए इन दोनों ने तन मन और धन से दिल खोल कर उन्होंने भागवत कथा करवाया, और इन्होंने रोज भी प्रसाद की व्यवस्था करवाई, रोज भक्तों को प्रसाद दिए, और उन्होंने हर तरह से तन मन धन से, इसलिए हम ये दोनों पति पत्नी को के लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी ये दोनों को खूब शांति दे, आनंद दे, सुख दे, खूब संसार में खेलते बोलते रहे और ठाकुर की भक्ति मिले। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। माता जी उनको पहना दो तो हरे कृष्णा, बढ़िया बात है हरे कृष्णा। और देखो इसी कथा में हो गया बाद में फिर फट ले। अरे ठीक है ले लिया, ठीक बैठ जा, बैठ पंखोड़ से बैठ जा। देखो ये कथा में इनकी ये लोग 7 बहनी है, जैसे सप्तर्षि है ना, ये 7 बहनी, और 7 बहनी के बेटे सबके सब भगत है, और इन लोगों ने भी ये कथा में आकर के हर तरह से रोसी बनाना, प्रसाद करना और हर तरह से मदद करना, और इनके बहन में कांचन दीदी है, एक कंचन दीदी है, इन्होंने तो बहुत बहुत ही है मेरे साथ में, क्योंकि इनको साथ में ज्यादा परिचय है इनके साथ में, ये रोज आकर के मंदिर में गुरु जी की सेवा करते अपने हाथों से, हमारे जो बड़े गुरु जी इनकी भोग लगाना, सेवा करना, बहुत दिन रात मंदिर में खड़े होकर सेवा करती है। इन्होंने ज्यादा मेरे साथ में आना लाना ये करना, इन्होंने ये बहुत कुछ किए, इसलिए इनके परिवार में इनकी बहन और इनके परिवार में जो लोग हैं, इनके लिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर इनको सब शांति सुख दे, घर में खूब सुखी रहे और घर में प्रभु का भक्ति करे। अब इनके लिए भी जोरदार आप लोग तालियां। हाँ देखो अभी जो मंदिर है ना,
ये मंदिर का नियम है, छह बजे के बाद में ठाकुर जी की आरती होती है, मंदिर का नियम है। इसलिए पहले जब हम आए उस दिन तो समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों पहला दिन था। दूसरे दिन में पहले पहले देखो बाबा ये छह बजे तक कथा हमारी आरती होती है, अब छह बजे तक कथा को विश्राम दे देना। लेकिन यहाँ के मंदिर का जो सदस्य लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत इतने अच्छे जो हम वर्णना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने पूरा खुला फ्री दे दिया, बोले बाबा जितने समय तक आप हो सके आप कथा करो, आपके लिए एकदम फ्री है और आपके लिए एकदम खुला समय है। इसलिए आप इनके मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, मंदिर के जो चेयरमैन है, ये जो रमेश प्रभु जी और हरबंश है, क्या हरबंश प्रभु जी और श्री सुमित्र देव, क्या नाम है, क्या नाम इनकी, सुरेंद्र भार्गव जी और मंदिर का जो सेवक है अशोक श्री अमर, कहते ये सबके सब मंदिर के सदस्य लोग हैं और ठाकुर को सेवा करते हैं। इधर आओके के माला देते हैं, इधर आ जा। इसलिए ठाकुर जी इनको खूब आशीर्वाद दे, ठाकुर जी इनको कृपा करे, ये लोग खूब संसार में सुखी रहे, शांति में रहे और भगवान की भक्ति करे और ऐसे ही साधु संतों की ये सेवा करते रहे।